हेलो स्टूडेंट्स, सीए स्टूडेंट्स, सीए स्टूडेंट्स, आप अगर इंटर में हैं या फिर फाइनल में हैं, राइट, फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स भी आगे इंटर में जाएंगे, फाइनल में जाएंगे, सीए बनेंगे, तो सर अगर आप सीए कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक सुनिएगा। इसमें मैं कुछ टैक्स की बातें करने वाला हूँ, वन ऑफ द कोर एरिया इन द जॉब और इन प्रैक्टिस एज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। जब हम लोग यू नो सीए क्वालिफाई करते हैं तो हम जॉब मार्केट कहिए और या फिर प्रैक्टिस कहिए, जहां पर टैक्स में सीए का काफी बोलबाला है, राइट। आप टैक्स प्लानिंग की बात करें, टैक्स कंप्लायंस की बात करें, टैक्स इवेजन की बात करें, एक ही नाम आज के दिन आता है, सीए। आज के दिन जो नो सिचुएशन है उसमें हम कह सकते हैं कि भाई मोनोपोली है, ऐसा कह सकते हैं। और वो मोनोपोली किसी एक रीजन से नहीं है। जब मान लीजिए मैं ये बात कहता हूँ कि हाँ मोनोपोली है, तो यू नो जो अक्सर इस वीडियो को सुनते हैं उन्हें लगता है अच्छा अच्छा सर इज टॉकिंग अबाउट टैक्स ऑडिट। सिर्फ इसके कारण ही मोनोपोली हमारी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ टैक्स ऑडिट ही टैक्स में है ऐसा नहीं है। सर आप सीए स्टूडेंट्स हैं मेरे ही या मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, फाइनल में आप जाएंगे या आप फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, मैं इस वीडियो में आखिरी तक एक टैक्स की जर्नी बताने वाला हूँ, विच इज अ वन ऑफ द बेस्ट एरिया टू वर्क, चाहे वो जॉब के लिए कहें या वो प्रैक्टिस के लिए कहें, वन ऑफ द बेस्ट एरिया एंड हाईली रेम्यूनरेशन। आपकी जो पे पैकेज है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, आपकी जो सैलरी है, वो इस एरिया में मैच करेगी। मतलब आपको कोई दूसरी डिग्री लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप सीए करने के बाद और कोई हायर डिग्रीज में जा रहे हैं या कोई और पैरेलल डिग्री लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको ज्यादा पैसा कमाना लाइफ में। सिर्फ इस एरिया से आप वो लेवल अचीव कर सकते हैं कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा डिग्री, एक और डिग्री, ये सब लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सर सीए इंटरमीडिएट से ये टैक्स की जर्नी स्टार्ट होती है। फाउंडेशन में जो पेपर्स हैं हमारे चार पेपर, उसमें टैक्सेशन से रिलेटेड कोई पेपर नहीं है। थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स में टैक्स सिस्टम ऑफ इंडिया की बात होती है कि इंडिया में टैक्स सिस्टम में क्या है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, एक इंट्रोडक्शन लेवल पे, नथिंग एल्स। जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में रहते हैं तो वहां पे टैक्स सिस्टम के बारे में थोड़ी बहुत बात होती है। अदरवाइज मैं मेनली फोकस हमारे सीए की जर्नी में, जो जर्नी है फर्स्ट लेवल फाउंडेशन, उसके बाद नेक्स्ट लेवल इंटरमीडिएट एंड थर्ड लेवल फाइनल, लेकिन उसके बीच में क्या है, एक आर्टिकल शिप है, राइट। तो ऐसा करिए, फाउंडेशन, इंटर, आर्टिकल शिप, फाइनल, एंड देन आप आ गए मार्केट में जॉब या प्रैक्टिस या हमारी तरह टीचिंग में। मैं तो नहीं चाहूंगा कि आप हमारी तरह टीचिंग में आए और हमारे कंपिटिटर बने, राइट। लेकिन हाँ, आपको मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आप सीए इंटर के स्टूडेंट्स हैं, फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम्स आपका कभी भी हो, एग्जाम्स से न्यूट्रल होके मैं प्लानिंग बता रहा हूँ कि आप अगर टैक्स में अपना स्कोप बनाना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आपको इंटर में क्या ध्यान रखना है, आर्टिकलशिप में क्या ध्यान रखना है, फाइनल में क्या ध्यान रखना है, फाइनल में क्या गलती होती है, क्या नहीं करनी है, आर्टिकलशिप में हम क्या चाहते थे और क्या मिल गया, सारी बातें इस वीडियो में आखिरी तक होगी। ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा। और मैं बता दूं कि मैंने जो अपनी यू नो जो मैं टीचिंग में हूँ 2010 से, तो टैक्स इज वन ऑफ द कोर एरिया ऑफ टीचिंग। मेरे जो टीचिंग का मेन एरिया टैक्स ही है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो। एंड जो मैंने जॉब की है, 2005 पास आउट हूँ मैं, 2005 के बाद, 2005 नवंबर में मैंने फाइनल क्लियर कर रखा है, फिर जनवरी फरवरी में, 2006 मार्च से जो मैंने अपने 4 एंड 5 ईयर्स की जॉब की है वो टैक्स फील्ड में ही की है। टैक्स फील्ड में रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ जॉब की है, टैक्स फील्ड में मैंने अर्नेस्ट एंड यंग, बिग फोर, वन ऑफ द बिग फोर के साथ जॉब की हुई है। तो मुझे लगता है कि मुझे अपना एक्सपीरियंस जो मुझे जॉब में मिला, या फिर 10 साल की इस जर्नी में जो मुझे पढ़ाते हुए और बच्चों को देखते हुए मिला, मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूं। आई होप कि आपके में सारे पॉइंट्स जो टैक्स से रिलेटेड हैं उसको मैं वन बाय वन डील करना कर पाऊंगा। आई होप आप वीडियो को आखिरी तक देखिए, अच्छा लगेगा तो आप सीए स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फाउंडेशन के साथ तो नहीं, इंटरमीडिएट के साथ कर सकते हैं। मोस्टली ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनकी आर्टिकलशिप चल रही है, आर्टिकलशिप में जाना चाहते हैं, फाइनल में यू नो टैक्स में एक अपने आप को एक ना टैक्स में स्ट्रांग करना चाहते हैं। अक्सर देखा गया है कि मेरे ये स्टूडेंट्स
अक्सर जो मुझे फील हुआ है पिछले 10 साल में, मेरे ही सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे सब्जेक्ट में मेरे से पढ़ के काफ़ी अच्छा स्कोर किया, उनकी आर्टिकलशिप में और फाइनल की प्लानिंग खराब हो गई और उनका पेपर रह जा रहा है डायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में, और कम स्कोर कर रहे हैं। तो ओवरऑल मैं एक प्लानिंग बता रहा हूँ यहाँ पे कि आप अपने इस पेपर को किस तरीके से आगे प्लान करते हैं। और याद रखिएगा, टैक्स जर्नी है ये एक, और टैक्स में सिर्फ टैक्स ऑडिट ही नहीं है सीए के लिए, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे एरिया हैं, बहुत सारे एरिया हैं, और हमारे इंस्टीट्यूट ने, सीए इंस्टीट्यूट ने कहाँ कहाँ हम पर वर्क कर रखा है इसके लिए, वो बताना जरूरी है। एक बात और बता दूँ, हमारे जो करंट प्रेसिडेंट सर हैं सीए अतुल कुमार गुप्ता जी, उनका इनडायरेक्ट टैक्स एरिया वन ऑफ द बेस्ट एरिया है। आज के दिन अगर आप बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स, चाहे वो सर्विस टैक्स था या अब जीएसटी, राइट, वो एक एक एक्सपर्ट लेवल पे थे, और जिसके कारण मुझे लगता है कि आज वो जिस लेवल पे हैं, सेंट्रल काउंसिल लेवल पे होते हुए प्रेसिडेंट लेवल पे, तो उनकी ये जो नॉलेज है इनडायरेक्ट टैक्स की, ये उनके इस जर्नी में बहुत काम आई है, मैं तो यही कहूँगा आज के दिन। ठीक है, आप उनकी प्रोफाइल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं, उनका कोर कॉम्पिटेंस पढ़ सकते हैं, उनकी पास्ट जर्नी पढ़ सकते हैं, राइट। तो ये एक, मैं क्या कह रहा हूँ, ये एक ऐसा एरिया है जो आपको प्रेजेंट लेवल तक पहुँचा सकता है। अगर हम टैक्स की ओवरऑल बात करें, टैक्स में दो हिस्से हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ थोड़ा सा। सर, सीए की जर्नी में इंटरमीडिएट कोर्स, उसके बाद आर्टिकलशिप, देन आपके आर्टिकलशिप का एक लेवल कंप्लीट होता है 2.5 ईयर्स का, तो फाइनल के एग्जाम्स की एलिजिबिलिटी, एंड देन फाइनल क्लियर करने के बाद आपका जॉब एंड प्रैक्टिस। अब है कि सर टैक्स एरिया, ध्यान रखिएगा, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं फाइनेंस में जा सकता हूँ, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं ऑडिट में जा सकता हूँ, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं टैक्स के एरिया में जा सकता हूँ। और इस एरिया में तो कोई बेसिकली आप कह सकते हो इस एरिया में आज के दिन कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जिस हिसाब से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिमांड होती है, जिस हिसाब से टैक्स के कंप्लायंस के लिए, टैक्स की प्लानिंग के लिए, टैक्स की मैनेजमेंट के लिए, टैक्स इवेजन, मैं नहीं कहूंगा, वो एक गलत फहमी है लोगों के साथ कि टैक्स इवेजन में सीए का कंट्रीब्यूशन है, नहीं, टैक्स इवेजन एक वर्ड के अलावा और भी वर्ड है, टैक्स अवॉइडेंस वर्ड है, टैक्स मैनेजमेंट वर्ड है, टैक्स कंप्लायंस, टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंसल्टेंसी, टैक्स लिटिगेशंस। आज के दिन अगर हम प्रोफेशनली बात करें तो सीए की एक अच्छी पोजीशन है टैक्स के एरिया में। तो उसी को थोड़ा सा और, अब आपको मैं थोड़ा सा और आगे जर्नी पे ले जाऊं, तो सर सीए इंटरमीडिएट में, जब हम लोग आते हैं ग्रुप 1, और ग्रुप 2, यहां पर हमारा टैक्स पेपर आ जाता है ग्रुप 1 में, राइट। ग्रुप 2 में टैक्स का कोई पेपर नहीं है। और यहां पे आप बताऊंगा आगे कि जब आप सीए इंटर को क्लियर करते हो तो आर्टिकलशिप क्यों नहीं, हमें मतलब ध्यान से सुनिएगा, अगर आखिरी तक इस वीडियो को, आप सीए स्टूडेंट्स हैं इंटर के या फाइनल के, तो मैं यहां बताऊंगा, इस वीडियो को आप जरूर दूसरे तक शेयर कीजिएगा कि क्यों नहीं हमें आर्टिकलशिप टैक्स पे मिलती है, क्या गलतियां हमसे होती हैं इंटर लेवल पे, और जब हम आर्टिकलशिप के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, और इंटर लेवल पे हमसे क्या गलतियां होती है कि हमें टैक्स में आर्टिकलशिप नहीं मिल पाती। और सर जैसे ही टैक्स में आर्टिकलशिप नहीं मिलती है, वैसे ही हमारा फाइनल का जो जर्नी है ग्रुप 2 का, वहां दिक्कत आने लग जाती है। एक तो ना आपको मैं यहाँ बता दूँ थोड़ा सा, चलिए एक एक करके ही बताते हैं, बाकी कोर्स करिकुलम तो आप जानते ही हो, मैं एक एक करके आपको ले जाता हूँ। सर एक बेस लेता हूँ, नवंबर 2020, एक बेस लेता हूँ नवंबर 2020 में आपका सीए इंटर का एग्जाम्स है ग्रुप 1 का। सर एक बेस लेना पड़ेगा मुझे, मोस्टली स्टूडेंट्स ग्रुप वाइज एग्जाम देते हैं मोस्टली, और बोथ ग्रुप को, अगर अगर आप बोथ ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं इंटर लेवल पे, या बोथ ग्रुप क्रैक कर चुके हैं, तो आप उस इस बात को थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिएगा। सर कोई भी चीज समझाने के लिए, देखिए इस वीडियो के अंत तक में आपको काफी कुछ सोचने को मिलेगा रिलेटेड टू टैक्स। अगर आप अपना वन ऑफ द बेस्ट देना चाहते हैं टैक्स में, आप मोटिवेटेड है कि मुझे आगे जाके टैक्स की ही आर्टिकलशिप करनी है, सीए बनने के बाद मुझे टैक्स से ही रिलेटेड जॉब करनी है,
चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स, एज अ पर्सनल अगर मेरा व्यू लो तो मैं इस एरिया को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं। इसके अंदर एक एरिया है इंटरनेशनल टैक्सेशन, जिसके कारण इंटरनेशनल टैक्स इस एरिया के कारण मैं डायरेक्ट टैक्स को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं। वैसे दो लोगों का नाम है इनडायरेक्ट टैक्स में आज के दिन, जो मैं बड़े आराम से आपके सामने ले सकता हूं। आप उनकी लाइफ स्टाइल को भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि आईडीटी में भी काफी पैसा है, लेकिन काफी बेस्ट परफॉर्म आपको करना पड़ेगा। एक तो अभी सीए विमल जैन आप गूगल कर सकते हैं, नेट पे सर्च कर सकते हैं, सीए विमल जैन जीएसटी में काफी मेहनत कर रहे हैं, वो काफी मेहनत पहले भी कर चुके हैं और काफी एक अच्छे लेवल पे हैं इंडिया में। और दूसरा हमारे प्रेसिडेंट सर सीए अतुल कुमार गुप्ता जी, और इनके सीए अतुल कुमार गुप्ता जी को मैं सर्विस टैक्स के एरिए से जानता हूँ। 2015-16 में इन्होंने काफ़ी सारे मेहनत की थी मेंबर्स के लिए, फ्री सेमिनार्स, फ्री ट्रेनिंग्स। जब भी सर्विस टैक्स में कोई चेंजेस आते थे, ये उस समय सेंट्रल काउंसिल का इलेक्शन लड़ने वाले थे ऐसा कहिए, या आगे इनका एक टारगेट था कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है, बट उनका एक सब्जेक्ट में भी रुचि था, उनका रुचि है, उनकी इंटरेस्ट आप कह सकते हो इनडायरेक्ट टैक्स में उनकी है। उनके प्रोफाइल आप पढ़िएगा, शायद मैं गलत ना हो तो, शायद मैं अगर गलत नहीं हूं तो सीए अतुल कुमार गुप्ता जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं आज के दिन, उनका वन ऑफ द बेस्ट एरिया है इनडायरेक्ट टैक्स। मुझे 2015-16 में उनकी जर्नी याद है। सर्विस टैक्स में काफी सारे अमेंडमेंट्स आया करते थे जीएसटी से पहले, जब भी कोई अमेंडमेंट्स, जब भी कोई चेंजेस आते थे, वो फटाफट ऑल इंडिया लेवल पे सेमिनार्स चालू कर देते थे। दिल्ली में तो हर सप्ताह ही उनके सेमिनार्स होती थी, फ्री सेमिनार्स फॉर मेंबर्स, और वही एक कंट्रीब्यूशन था उनका उस पेपर पे, कहीं कमांड था जो आज के दिन वो इस पोजीशन पे है। दूसरा, रिसेंटली जीएसटी में जो डेवलपमेंट हमें देखने मिल रही है वो है सीए विमल जैन सर से। तो मैं नहीं कहूंगा कि आईडीटी में कोई स्कोप नहीं है आज के दिन, बट हाँ, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस आईडीटी से ज्यादा डायरेक्ट टैक्स में होती है। देखिए, मैं दोनों पेपर पढ़ाता हूँ इंटर फाइनल लेवल पे, सीए सीएमए लेवल पे, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, मैं बायस नहीं हूँ, लेकिन समहाउ आई एम मोर कनेक्टेड टू डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल टैक्सेशन को देख रखा है कि ये कितना हाईली रेम्यूनरेटिव एरिया है। मेरे इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा, मैं बहुत अच्छी प्लानिंग दूंगा आपको, एटलीस्ट फाइनल लेवल पे आपको टैक्स की आर्टिकलशिप कैसे मिलेगी वो बताऊंगा, और फाइनल लेवल पे जब आप अपने टैक्स के लिए प्लान करेंगे तो आपको उस प्लानिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आते ही आप भागते हो, सर आप टैक्स की इम्प्रॉपर प्लानिंग करते हो इंटर लेवल पे, फाइनल लेवल पे, आर्टिकल से लेवल पे, इसीलिए फ्यूचर में क्या होता है, हमें मनचाहा जॉब टैक्स में नहीं मिल पाता है। तो जर्नी है, थोड़ी सी स्टार्ट करते हैं इसको। सर, नवंबर 2020 में आपने सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप वन का एग्जाम देना है, राइट। अब यहाँ बच्चा गलती क्या करता है, एक छोटी सी यहाँ पर जो गलती होती है और इस पेपर पे उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, घबराता है, वो क्या करता है, फरवरी, मार्च और अप्रैल मंथ में ही अपना टैक्स का सिलेबस कंप्लीट कर लेता है। टैक्स क्या होता है, फाउंडेशन का एग्जाम्स। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि किस तरीके से हमारी गलत गलत प्लानिंग सी होती है, जहां पर देखो छोटी सी किसी भी लेवल पे अगर आप गलत प्लानिंग करोगे तो उसका कास्केडिंग इफेक्ट आगे जाएगा, आप हमेशा टैक्स से डरोगे, टैक्स से भागोगे। सर, नवंबर 2020 में सीए इंटर का स्टूडेंट जो ग्रुप वन और ग्रुप टू या बोथ ग्रुप, सर अगर आप बोध ग्रुप दे रहे हैं तो या ग्रुप वन की प्लानिंग कर रहे हैं तो, वो बच्चा क्या करता है, टैक्स की क्लासेस को फरवरी मार्च अप्रैल में लेके खत्म करने की कोशिश करता है। सर, यहां पर जो आपका टैक्सेशन पेपर है, यहां जो आपका टैक्सेशन पेपर है उसके अंदर, ये बात अच्छी है कि इंटर लेवल पे हमें दोनों एरिया का एक्सपोजर मिलता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में सिर्फ जीएसटी हमें पढ़ाया जाता है 40 मार्क्स के लिए, नॉट न्यू फॉर यू ऑल, और यहां इनकम टैक्स पढ़ाया जाता है 60 मार्क्स के लिए। अब बच्चे को टैक्स में थोड़ी सी घबराहट होने लग जाती है, कब, जब उसको पता चलता है कि उसने जो जीएसटी पढ़ा अपने नवंबर के एग्जाम्स के लिए, वो जीएसटी में अमेंडमेंट्स आ चुकी है और एग्जाम उसने दिया नहीं है, बस यहां से उसकी थोड़ी घबराहट बढ़ने लग जाती है, यहां से वो थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू करता है कि यार ये थोड़ा टफ मेरे लिए जर्नी है, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप बोथ ग्रुप की प्लानिंग करते हो, से हमारा बोथ ग्रुप नवंबर 2020 में एग्जाम्स है सीए इंटर ग्रुप वन ग्रुप टू, तो टैक्स के पेपर को लास्ट में उठाना चाहिए बोथ ग्रुप के स्टूडेंट्स। और जो ग्रुप वन के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो चार, ग्रुप वन में चार सब्जेक्ट हैं, चार पेपर अगर एक साथ पढ़ाई कर भी रहे हैं फरवरी मार्च में, तो उसमें टैक्स स्टार्ट
थोड़ा लेट से कीजिए, और अगर टैक्स लेट से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो आप पहले इनकम टैक्स पढ़िए और बाद में जीएसटी पे आइए। ऐसा करेंगे तो आपको अमेंडमेंट्स का एक्सपोजर कम होगा और आपने जो क्लास में पढ़ा है उसी के बेसिस पर आप एग्जाम में देंगे और हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। तो सर आपको यहां पर पॉजिटिव रहना है, मैं तो यही मानूंगा। सर आप इंटर लेवल पे टैक्स पेपर में जब पॉजिटिव रहेंगे तभी आप इसके बारे में आर्टिकलशिप की सोच पाएंगे और इसके बारे में फाइनल की सोच पाएंगे। टैक्स फाइनल में भी है, यस 200 मार्क्स का है, प्लस 300 का भी हो सकता है आपकी चॉइस पर, लेकिन पहले इंटर में आप अपने आप को संभालो। सीए स्टूडेंट्स आप फाउंडेशन में भी, आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो और आप फाउंडेशन में भी हो, जब आप इंटर में जाओगे आप बोध ग्रुप की अगर तैयारी करते हो तो ग्रुप वन के टैक्स को होल्ड कर देना, उसको बाद में लेना। ऐसे नहीं करना कि ग्रुप वन पहले कर लेते हैं फिर ग्रुप टू करेंगे और फिर बोध ग्रुप का एग्जाम्स देंगे। आपने शुरू में डिटरमाइंड हो गए हो कि मुझे इंटर में बोध ग्रुप देना है, आप टैक्स की प्रिपरेशन को होल्ड कर दो, टैक्स की जगह ग्रुप टू का कोई पेपर लेके आ जाओ, करना पड़ेगा, ये चॉइस करनी पड़ेगी। बोला सर वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, हम जिस कोचिंग और जिस टीचर से पढ़ना चाहते हैं वहां पे ग्रुप वन पहले और ग्रुप टू बाद में होगा। तो कम से कम आप जीएसटी पोर्शन को होल्ड करो जहां पर अमेंडमेंट्स आती हैं, वो आपके फियर फैक्टर को बढ़ाएगा, पॉजिटिव नहीं रहने देगा। तो सर जब तक हम लोग ग्रुप वन में पॉजिटिव नहीं रहेंगे टैक्स के लिए, आर्टिकलशिप में टैक्स नहीं लेना चाहेंगे और फाइनल में टैक्स पढ़ना नहीं चाहेंगे। सर आप बच्चे अगर नवंबर 2020 में ग्रुप वन का एग्जाम्स देना चाहते हो तो चाहते थे, मान लीजिए आगे की प्लानिंग, तो इतना पहले मतलब 7-8 महीने पहले आप सिलेबस को खत्म मत कीजिए। बच्चा फाउंडेशन पास करता है जनवरी में, फरवरी में वो क्लास लगाता है ग्रुप वन की, उसमें टैक्स की भी क्लास लगाता है, और फरवरी मार्च अप्रैल में वो सारी चीज पढ़ के एक कोर्स को कंप्लीट कर देता है। फिर उसको जून जुलाई में आके पता चलता है कि उसने जो जीएसटी पढ़ा उसमें उसने काफी कुछ नहीं पढ़ा, वहां उसे अमेंडमेंट की क्लास लेनी पड़ेगी, अपना क्वेश्चन बैंक चेंज करना पड़ेगा खासकर जीएसटी के लिए। और ऐसा करने से उसके मन में एक फियर फैक्टर आ जाता है सब्जेक्ट को लेके, गलती बच्चे की थी, गलती कोचिंग की थी, गलती बच्चे की थी जो उसने पहले क्लास ली, गलती कोचिंग की थी जो उसने पहले क्लास दी, लेकिन एज अ सब्जेक्ट में एक फियर आ जाता है, यार ये टैक्स बहुत गंदा पेपर है, इससे अच्छा तो कॉस्टिंग है, इससे अच्छा तो अकाउंट्स है, बस यहां से थोड़ा सा एक सिलसिला खराब होता है। सर ये तो हुई एकेडमिक बातें, अब यहां देखिए क्या हुआ, आपने नवंबर 2000 मतलब आप टैक्स की प्लानिंग जो यहां पर कर रहे हो अच्छे कर रहे हो, आप 100 मार्क्स के टैक्स पेपर के लिए क्लास ले ली, रिवीजन कर रहे हो, एग्जाम दोगे, लेकिन आगे आपकी जर्नी में कहां रुकावट आती है देखिए। नवंबर 2020 में मैंने एक बेस लिया है, किस तरीके से हम टैक्स से पीछे भागते जाते हैं, टैक्स हमें डराता है किस तरीके से, किस तरीके से हम अपने आप को टैक्स में वीक कर लेते हैं, जिसका इंपैक्ट हमारी आर्टिकलशिप पे, हमारे फाइनल की टैक्स स्ट्रेटजी जो टैक्स की प्रिपरेशन उस पर पड़ता है, और फाइनली हमें अपना फाइनल का जो ग्रुप टू है जहां पे डायरेक्ट टैक्स 100 मार्क्स का, इनडायरेक्ट टैक्स 100 मार्क्स का, वो निकालने में दिक्कत आती है, और सीए बनने के बाद हम कभी इस फील्ड में सीरियसली जाना नहीं चाहते। थोड़ा सा मेरे साथ रहिए, मैं आपको हर चीज बताऊंगा। सर देखिए नवंबर 2020 में आपका एग्जाम, एक एग्जाम्पल मैंने बेस लिया नवंबर 2020, आपने यहां इनकम टैक्स जो पढ़ा, आपने जो यहां इनकम टैक्स पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, फाइनेंस एक्ट 2019 पढ़ा। नवंबर 2020 में आपने इनकम टैक्स का एग्जाम दिया, आपने फाइनेंस एक्ट 2019 पढ़ा सिलेबस के अकॉर्डिंगली, जबकि यहां फाइनेंस एक्ट 2020 फरवरी में आ चुका है। तो क्या हुआ, एक साल मतलब मैं आपको अभी एक प्लानिंग दे रहा हूं जिसमें आपका आर्टिकलशिप टैक्स में क्रैक हो जाएगा। आपने इंटर का एग्जाम दे दिया, अब इंटर का एग्जाम दे दिया है ग्रुप वन का, और ग्रुप वन की मैंने एक प्लानिंग बताई छोटी सी कि टैक्स की सब्जेक्ट को हमेशा है ना होल्ड करो, नहीं तो जीएसटी बाद में पढ़ो, इनकम टैक्स पहले पढ़ो, ऑर्डर, नहीं तो आपको क्या होगा, आपने एग्जाम नहीं दिया अमेंडमेंट पढ़ना पड़ेगा, आपने एग्जाम नहीं दिया आपको बुक और क्वेश्चन बैंक चेंज करना पड़ेगा। ये तो बात हो गई, अब हम लोग निकल गए, बाहर आ गए तो नवंबर 2020 में जब हमने एग्जाम्स दिया इनकम टैक्स का, तो हमने क्या पढ़ा, फाइनेंस एक्ट 2019 एज पर सिलेबस जो एग्जाम्स में एप्लीकेबल है। और सर इकोनॉमी में क्या आ चुका है, फाइनेंस एक्ट 2020 जिसके बारे में आपने ना तो क्लास ली ना तो आपने कुछ पढ़ा। ऐसा ही जीएसटी में हुआ, ऐसा ही जीएसटी में आपने क्या पढ़ा, फाइनेंस नंबर 2 एक्ट लिख देता हूं, चलो। बोला सर फाइनेंस एक्ट 2019 नहीं है सर, तो चलो ना मैं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019 लिख देता हूं। मैं तो ये बताना चाह रहा हूं
कि जो बच्चे यहाँ पर अपने आप को टैक्स में एक्सपर्ट समझ रहे हैं, उन लोगों ने तो 1 साल आगे का लॉ यहाँ पर पढ़ा ही नहीं, तो आगे इंटरव्यू में दिक्कत आएगी, बिग फोर के इंटरव्यू में और टैक्स की आर्टिकलशिप में, वहां फिर उनको टैक्स से डर लगेगा। टैक्स के कुछ सवाल पूछे जाएंगे, वो जवाब नहीं देंगे, अच्छे मार्क्स हमारे आए हैं ग्रुप वन में, लेकिन फिर भी हमें टैक्स की आर्टिकलशिप नहीं मिल पाएगी, फिर हमें टैक्स से डर लगेगा, मैं वो बता रहा हूँ। सर, नवंबर 2020 में आपने इनकम टैक्स का एग्जाम दिया, जीएसटी का एग्जाम दिया, और इन दोनों के एग्जाम्स में आपने अपडेटेड लॉ नहीं पढ़ा, एज पर सीए इंस्टीट्यूट सिलेबस गए, और ये डिमेरिट्स नहीं है, ये ऐसा चलता है, ऐसा चलता है। सर, आपका जनवरी फरवरी में रिजल्ट आया, फरवरी 2021 में रिजल्ट आया, और आप अच्छे मार्क्स के साथ पास हुए, गुड मार्क्स, गुड मार्क्स, टैक्स में भी आपके अच्छे मार्क्स थे। ये देखो, टैक्स की जो क्लास ली तब आपको एक देखो, फाउंडेशन में तो टैक्स था ही नहीं, 11 12 में टैक्स था ही नहीं, आपने जब टैक्स की क्लास ली किसी भी टीचर से, इंक्लूडिंग मेरे से, डीटी और जीएसटी, तो आपका एक कॉन्फिडेंस आया, आपको एक कॉन्फिडेंस आया कि यस, टैक्स इज अ गुड एरिया, मैं टैक्स में आगे अपने लाइफ को ले जाना चाहता हूँ। और सुना सीए का काफी नाम है टैक्स के प्लानिंग में, कंसल्टेंसी में और लिटिगेशन में, और वन ऑफ द कोर एरिया ऑफ प्रैक्टिस फाइनेंस ऑडिट टैक्स, और टैक्स एक अच्छा एरिया है जॉब के लिए, प्रैक्टिस के लिए, और है ना, मैंने बहुत सुना है टैक्स के बारे में, और भी बहुत कुछ सुना है जो मैं अभी बोल नहीं सकता टैक्स के बारे में सीए लोगों के लिए। और सर, मुझे टैक्स में ना काफी इंटरेस्ट आ गया है, लेकिन सर ये इंटरेस्ट तो 1 साल पुराना है आपका, आपका जो अपडेटेड, जो अब आगे आप निकलोगे, अभी तो मैंने आपको ग्रुप टू में पहुंचाया नहीं है। आप मान लीजिए टैक्स, मान लीजिए आपने ग्रुप वन दिया है सीए इंटर का, सीए इंटर के ग्रुप वन में आपने इनकम टैक्स पढ़ा, जीएसटी पढ़ा, आपका रिजल्ट आ गया, बहुत अच्छे मार्क्स आए टैक्स में, टैक्स की पकड़ भी आपकी सॉलिड थी, है नहीं थी, नवंबर में आपका एग्जाम हो चुका, 3 महीने के बाद रिजल्ट आते हैं, इसमें आपका टैक्स का ग्रिप थोड़ा क्या होगा, लूज होगा। और एक बात, आपका टैक्स बहुत अच्छा था जब आप क्लास में थे, राइट, आपका टैक्स बहुत अच्छा था जब आपने रिवीजन किया और नवंबर में एग्जाम दिया, अच्छा था, इसीलिए यहां पर मार्क्स आ गए, आप पास कर गए। लेकिन आपने अभी तक क्या पढ़ा है, फाइनेंस एक्ट 2019 की चीज पढ़ी है, 2020 के जीएसटी और 2020 का इनकम टैक्स तो पढ़ा ही नहीं। अब देखिए और क्या हुआ, अब आपने अभी तक तो सिर्फ क्या किया है, ग्रुप वन क्लियर किया है, अब आप बिजी हो गए किसमें, ग्रुप टू में, किसके लिए, एकदम आराम से सुनते जाइएगा इस वीडियो को लास्ट के लिए, आप किस तरीके से टैक्स से पीछे भाग रहे हैं, जिसके कारण आपको आर्टिकल से टैक्स की नहीं मिल पाती है, जिसके कारण फाइनल में आप टैक्स में कॉन्फिडेंटली अपीयर नहीं कर पाते हैं और टैक्स के एरिया से भागते रहते हैं, क्यों, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है एज अ फैकल्टी और एज अ क्वालिफाइड सीए, और जो भी मैंने अपने 15 साल पोस्ट सीए, मेरा आज के दिन 15 साल का एक्सपीरियंस है, और 10 साल से मैं बच्चों को देख रहा हूं, ठीक, तो मैं उसमें ये चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और बहुत इंटरेस्टिंग है। आप 1 घंटा कोई कोई सीरियल देख लेते हैं, कोई मूवी देख लेते हैं, मेरी वीडियो सुन लीजिए, शायद इसमें काम की बात आपको मिल जाएगी। और सर, ग्रुप टू आपको अब मई 2021 में देना है, एक एक ग्रुप आपने क्लियर किया, आपका टैक्स बहुत अच्छा था, कहां, जब आप क्लास ले रहे थे, आपके खटाखट क्वेश्चन सब बन रहे थे, आंसर मैच कर रहा था, आपने जब रिवीजन किया तो बहुत अच्छा लगा, आपने एग्जाम दिया तो बहुत अच्छे मार्क्स आए, लेकिन आपने पुराना पढ़ा हुआ है, 2020 का लॉ तो आपने पढ़ा ही नहीं, 2019 का लॉ पढ़ के आप पास हुए 1 साल पीछे। सर, नवंबर 2020 में एग्जाम दे रहे हैं, लॉ कौन सा पढ़ रहे हैं, 2019 वाला, बजट फाइनेंस एक्ट 2020 तो आपने अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ा नहीं, तो 1 साल पीछे हो गए। अब आपने एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आ गया, 3 महीने का गैप, उसके बाद अब आप बिजी हो गए किसमें, ग्रुप टू के मे के एग्जाम्स में, ठीक, इसमें टैक्स का नामो निशान नहीं है, ग्रुप टू जो है सीए इंटर का, ग्रुप जो टू है सीए इंटर का, उसमें टैक्स का नामो निशान नहीं है, थोड़ा और आप भूलेंगे, आपका पूरा फोकस ग्रुप टू के 4 पेपर में हो गया जिसमें टैक्स कोई पेपर नहीं है, और इसका रिजल्ट आया अगस्त 2021 में, ठीक। अब आप आ चुके हैं कहां, यू आर बोथ ग्रुप, बोथ ग्रुप क्लियर्ड, बहुत अच्छी बात है सर, बोथ ग्रुप क्लियर्ड, नाउ इन फाइनल। लेकिन सर, अब आपने टैक्स कब पढ़ा लास्ट, ये देखिए आर्टिकल शिप, अब यहां पर आप थोड़ी बहुत इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग लेंगे, वो कंप्यूटर ट्रेनिंग वगैरह सब होती है यहां पे,
आर्टिकल से पे स्टार्ट करने से पहले की कंप्यूटर ट्रेनिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग होती है, उसके बाद अब आप जाएंगे किसके लिए, आर्टिकलशिप के लिए, 3 ईयर्स की आर्टिकलशिप के लिए। और सबका सपना होता है क्या, आर्टिकलशिप किस में करनी है, बिग फोर में करनी है, सबका सपना यहां होता है। लेकिन अब देखिए आप कब आए सर, आप एक एक ग्रुप करके बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत पते की बात कि टैक्स से हम कैसे पीछे भाग रहे हैं। आप एक एक ग्रुप करके एग्जाम दे रहे हो, नवंबर में आपने एक ग्रुप क्लियर किया, उस समय टैक्स बहुत अच्छा था जब आपने एग्जाम दिया, आपने 3-4 बार रिवीजन किया और हम लोगों से सुनते रहते हो टैक्स में ये फ्यूचर है वो फ्यूचर है, तो आप बड़े मोटिवेटेड रहते हो। फरवरी में रिजल्ट आया, आपका 3 महीना पुराना हो गया टैक्स और 2020 तो आपने पढ़ा ही नहीं, राइट। आप अब चले आए किसके लिए, आपने ग्रुप 2 क्लियर कर लिया, अगस्त में रिजल्ट आया, अब आप फाइनल में आ गए, बहुत मोरल हाई है आपका, अब आप ट्रेनिंग कंप्यूटर वाली भी ले चुके, अब आप आर्टिकल शिप सर्च में निकल गए। और सब बच्चों को यहां पर लगता है कि हमें आर्टिकल शिप कहाँ मिलनी चाहिए, बिग फोर में। थोड़ा टैक्स का किस्सा सुन लें, आप आर्टिकल शिप के सर्च में कब निकले, आप आर्टिकल का सर्च कब कर रहे हैं, अगस्त और सितंबर 2021 में कर रहे हैं। कैसे सर, आपका ग्रुप 1 क्लियर हो गया, ग्रुप 2 का एग्जाम दे दिए क्लियर हो गया, आपने छोटी मोटी जो इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग है आर्टिकल से पहले की वो सब आप करने में बिजी हो गए। सर अब आप बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मैं तो ग्रुप 1 के बाद ही आर्टिकल से स्टार्ट कर लूंगा, ऐसा होता नहीं है। हम ये सोच के ही एक ग्रुप देते हैं, सीए इंटर का बच्चा स्टूडेंट फर्स्ट ग्रुप देता है ये सोच के ही कि फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम दे के हम फटाफट आर्टिकल से स्टार्ट कर लेंगे, ऐसा होता नहीं है। आप ग्रुप 2 की प्रिपरेशन में बिजी हो जाते हैं, ग्रुप 2 के एग्जाम्स में बिजी हो जाते हैं, और मई मई में आपका ग्रेजुएशन का भी एग्जाम्स होता है, उसमें आप बिजी हो जाते हैं और आपको क्या लगता है कि चलो एक बार क्लास ले लेते हैं ग्रुप 2 की, एग्जाम दे देते हैं आर्टिकल से, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। ऐसे भी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं उस बच्चे को अपने आर्टिकलशिप में नहीं रखूंगा जिसका एक ही ग्रुप क्लियर हुआ है, दूसरा ग्रुप अभी बाकी है, मैं उसको नहीं रखूंगा। मेरी भी तो सुनो, मैं एज अ सीए जब मेरे यहाँ आर्टिकलशिप के लिए आएंगे, ट्रेनिंग के लिए आएंगे, तो मैं उस बच्चे को लिस्ट प्रेफरेंस दूंगा जिसका एक ही ग्रुप क्लियर हुआ है, क्योंकि वो फिर कभी क्लास की छुट्टी लेगा, कभी एग्जाम की छुट्टी लेगा, जब जब पास नहीं करेगा तब तब छुट्टी लेगा, मुझे डिस्टर्बेंस होगी। मैं फ्रेश बोथ ग्रुप क्लियर स्टूडेंट्स को लेना चाहूंगा। अब देखिए आप यहां पर ना टैक्स का इंटरेस्ट तो क्रिएट कर चुके थे, लेकिन वो अब टैक्स बहुत पुराना हो गया। आपने लास्ट टैक्स कब पढ़ा, लास्ट टैक्स की स्टडी और पढ़ाई कब की, आपने लास्ट टैक्स पढ़ा अगस्त सितंबर अक्टूबर 2020 में, अपने एग्जाम्स नवंबर 2020 के लिए, राइट। आप आर्टिकलशिप के लिए कब निकले हैं, अगस्त सितंबर में। आपने मालूम है क्या क्या नहीं पढ़ा, आपने फाइनेंस एक्ट 2020 नहीं पढ़ा, और सुनिए आप जब ग्रुप 2 का एग्जाम दे रहे थे, जब आप ग्रुप 2 का एग्जाम दे रहे थे तो आपका फाइनेंस एक्ट 2021 भी आ गया। देखिए ना अगस्त सितंबर 2021 में आप आर्टिकल शिप, सर आपने 2 ईयर्स का डीटी और जीएसटी में जो अमेंडमेंट्स आया, 2 साल का गैप है, इसको तो आपने कवर ही नहीं किया। प्रैक्टिकल रहिए यहां पे सर, आप प्लीज प्रैक्टिकली सोचिए, आप आर्टिकल शिप की सर्च कर रहे हैं किसमें, अगस्त और सितंबर 2021 में, सेइंग कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं ग्रुप 1 में, बहुत अच्छे मार्क्स हैं ग्रुप 2 में, मुझे टैक्स में आर्टिकल शिप चाहिए। आप अगस्त सितंबर 2021 में आर्टिकल शिप सर्च कर रहे हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आर्टिकल शिप में आपको वही सब सवाल पूछे जाएं जो आपने इंटर में पढ़ा था। आपने इंटर में क्या पढ़ा था, आपने इंटर में 2 साल 2 ईयर्स ओल्ड क्या पढ़ा डीटी, 2 साल पुराना क्या पढ़ा जीएसटी, आपने क्या नहीं पढ़ा, आपने अब इस आर्टिकल शिप की प्रिपरेशन, क्यों हमें टैक्स में आर्टिकल शिप नहीं मिलती है अब सर, हमें वो फर्म में टैक्स एरिया में काम करने क्यों नहीं मिलता है। मैंने आपसे इंटरव्यू में पूछा कोई 2020 की चीज, आप नहीं जवाब दे पाए, 2021 की चीज हमने आपसे पूछी, आपने जवाब नहीं दिया। बजट 2020, बजट 2021 में डीटी और जीएसटी से रिलेटेड जो चेंजेस आए उसकी आपने आपको आपने अपडेट ही नहीं की और मार्केट में निकल गए किसके लिए, आर्टिकलशिप के लिए। तो कैसे मिलेगी टैक्स की आर्टिकलशिप, सर आप चाहते हैं टैक्स की आर्टिकलशिप करना क्योंकि फ्यूचर में आप टैक्स में जाना चाहते हैं, और आप टैक्स की आर्टिकलशिप ढूंढने निकल गए बिग फोर में।
बिग फोर में टैक्स की आर्टिकलशिप मिलती ही नहीं है। बिग फोर की जो आर्टिकलशिप है वो मेनली ऑडिट में होती है, ऑडिट में, और ऑडिट में भी इंटरनल ऑडिट सबसे घटिया एरिया। सर हर बच्चों का, हर सीए स्टूडेंट्स जो फाइनल में पहुंचता है और आर्टिकलशिप ढूंढने निकलता है, उसको लगता है कि मुझे आर्टिकलशिप बिग फोर में होनी चाहिए। उसकी स्कूलिंग बहुत अच्छी है, इज अ टॉपर ऑफ 10th और 12th क्लास, इज अ स्कूल टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर और एरिया टॉपर और स्टेट टॉपर। उसके फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन विथ रैंक निकला हुआ है, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका बोथ ग्रुप सीए इंटर रैंक निकला हुआ है। अब वो टैक्स की आर्टिकलशिप के लिए बिग फोर में जाता है। सर यहाँ पर बिग फोर कहती है कि हम आपको टैक्स में रखेंगे नहीं, और मालूम है किनको रखते हैं, जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स हो विथ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, प्लस बिग फोर में किसी न किसी सीनियर लेवल का अप्रोच हो, यानी पार्टनर लेवल का अप्रोच। यानी आप बिग फोर में आपके पार्टनर लेवल का अप्रोच है, रेफरेंस जिसको बोलते हो आप, गॉडफादर। बिग फोर में टैक्स की आर्टिकल सेप करना, मेरे इस बात से सहमत अगर हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर मेरे एकेडमिक बहुत स्ट्रांग थे, 10th 12th का अच्छा मैं खासा स्कूल टॉपर था, मेरी रैंक भी थी, लेकिन मुझे टैक्स में आर्टिकल सेप नहीं मिली। बिग फोर का इंटरव्यू देने गया मैं, क्या करते हैं बिग फोर वाले, इंटरव्यू में आपको बुलाएंगे और आपको बोलेंगे यू आर सेलेक्टेड और आपको ऑडिट में मिल रहा है, और ना कहोगे तो अगले 3 साल तक आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे। अब हर बच्चे का क्या सपना होता है, मैं बिग फोर में काम करूंगा, और वहां बच्चों को अब च्वाइस मिलती है टैक्स या ऑडिट। सर मैं उन्हीं बच्चों से भी बात कर रहा हूँ जो सीए स्टूडेंट्स हैं, जो अपना फ्यूचर टैक्स में बनाना चाहते हैं, जिनको टैक्स से डर लगता है। और सर मेरी इस बातों को आप समझ रहे होंगे तो आपको गैप दिख रहा होगा कि कितने बेवकूफ़ी हम लोग करते हैं, हमें क्यों नहीं टैक्स की आर्टिकलशिप मिलती है। सर बिग फोर से नीचे जाइए, बेस्ट 20 फर्म्स जिनमें टैक्स रिलेटेड वर्क हैं, टैक्स वर्क्स। सर जीएसटी तो हर ऑफिस में मिलेगा, जीएसटी की तो बात ही नहीं कर रहा। सर ये जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना, जीएसटी का पेमेंट करवाना और जीएसटी का रिटर्न फाइल करवाना, इट इज नॉट अ टैक्स वर्क। सर ये तो हर सीए के ऑफिस में मिलेगा आपको। क्या सर मेरे ऑफिस में ना वो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन होती है और जीएसटी का है ना रिटर्न फाइलिंग और ना आईटीसी का रिकंसिलेशन होता है। सर टैक्स वर्क वो नहीं, जीएसटी की रिटर्न फाइल करना और इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना, टैक्स के असेसमेंट्स का वर्क, टैक्स के लिटिगेशंस। बेस्ट 20 फर्म्स जहां पर टैक्स असेसमेंट्स के काम होते हैं, ठीक है, टैक्स की कंसल्टेंसी होती है, ओनली रिटर्न फाइलिंग नहीं, ठीक है, कंसल्टेंसी प्लानिंग होती है, जहां पर इंटरनेशनल टैक्सेशन का काम होता है, इंटरनेशनल टैक्स का काम होता है, और जीएसटी में भी जहां पर जीएसटी इंप्लीमेंटेशन का काम होता है, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन और कंसल्टेंसी और प्लानिंग, ऐसी ऑफिस ढूंढिए। अगर आपको टैक्स में आर्टिकल सेट करनी है, आपको बिग फोर का रास्ता नहीं देखना चाहिए। बिग फोर वाले 100 में से 1 बच्चे को लेते हैं टैक्स में। बिग फोर आप किसी से भी पूछ लीजिए, जो बिग फोर की जो टैक्स टीम है उसमें आर्टिकल्स बहुत कम होते हैं, क्वालिफाइड लोगों को वो लेते हैं। ठीक, बोला सर क्या कोई ऐसी फर्म है जो सिर्फ टैक्स में बेस्ट हो आर्टिकलशिप में लेकिन बिग फोर भी ना हो, है ना, डीबी देसाई फर्म है, एक नाम तो मैं जानता हूँ, दूसरा एससी वासुदेव। अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूँ तो यू नो महेंद्रपुरी एंड कंपनी है आपके पास सीपी में, एससी वासुदेवा एंड कंपनी है ग्रेटर कैलाश में, डीबी देसाई का नाम मैं लेना चाहूंगा। इन सबके अपने टैक्स डिपार्टमेंट्स हैं, अपना टैक्स डिवीजन है, टैक्स की पूरी टीम है। इनफैक्ट एससी वासुदेवा फर्म में पार्टनर लेवल पे मेरी बात हुई तो उन्होंने भी कह दिया कि हम आर्टिकल सिप में टैक्स में नहीं लेते हैं बच्चों को। एससी वासुदेवा फर्म के पार्टनर लेवल के लोगों से बात हुई कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो टैक्स में आर्टिकल सिप करना चाहते हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं मेरे, ग्रुप 1 बोथ ग्रुप निकाले हुए, और पीछे की हिस्ट्री उनकी बहुत अच्छी है, दे आर गुड एंड उनके कॉलेज का बैकग्राउंड भी अच्छा है। उन्होंने मना कर दिया कि सर हमारे फर्म की पॉलिसी है कि हम सिर्फ क्वालिफाइड सीए को ही लेंगे अपने टैक्स डिवीजन में। सोचिए एससी वासुदेवा फर्म, आप नाम भी नहीं सुने होंगे शायद, या नाम सुने होंगे क्योंकि उनके पार्टनर्स भी सेंट्रल काउंसिल में हैं और उनके जो ओनर हैं पहले एनआईआरसी चेयरमैन रह चुके हैं, लेकिन मेरी पार्टनर लेवल पे बात हुई कुछ लोगों से वहां पे तो उन्होंने मना कर दिया। तो सर
आप टैक्स की आर्टिकलशिप करना चाह रहे हैं अपने मार्क्स के बेसिस पर, आप क्या बोलते हैं, मुझे आर्टिकलशिप मिल जाए मार्क्स के बेसिस पर और 2 ईयर्स ओल्ड पुरानी नॉलेज के बेसिस पर। आपको टैक्स में अगर आर्टिकलशिप लेनी है तो छीनना पड़ेगा, ग्रैब करना पड़ेगा आपको, और उस ग्रैब करने के लिए आपको क्या करना होगा, 2020 के बजट में, 2021 के बजट में, क्योंकि आप आर्टिकलशिप के लिए कब निकले हैं, अगस्त सितंबर में, आपको इन 2 लॉ को अपडेट करना पड़ेगा, टीचरों के नोट्स से, गूगल से, इंटरनेट से, जीएसटी के 2 साल के अमेंडमेंट्स, जीएसटी के 2 ईयर्स के अमेंडमेंट्स को अपडेट करना पड़ेगा, डायरेक्ट टैक्स के 2 ईयर्स के अमेंडमेंट को अपडेट करना पड़ेगा। सर आप सोचिए ना, आप कब क्लासेस लिए, आपने क्लासेस और एग्जाम्स के लिए जो तैयारी की वो तो फाइनेंस एक्ट 2019 की। अभी भी जो मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जिनका एग्जाम नवंबर 2020 में, उनको तो मैं यही बोल रहा हूँ ना कि आपको फाइनेंस एक्ट 20 नहीं पढ़ना, चाहे सीए हो या फाइनल हो या इंटर, सीए फाइनल सीए इंटर, नवंबर 2020 के लिए फाइनेंस एक्ट 2020 नहीं पढ़ना। लेकिन जब आप आगे इंटरव्यू में जा रहे हो आर्टिकलशिप के लिए, तो वहां पर तो पहचानो, आपकी किताबी बात तो मैं पूछूंगा ही पूछूंगा, और आप चूंकि मेरे ऑफिस में काम करने आ रहे हो, तो ऑफिस में जो काम चल रहा है डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी का, वो 2 साल पुराना थोड़ी चल रहा है। सर हमारे सर ने तो नहीं पढ़ाया था, तो भैया जाके अपने ही सर के यहाँ आर्टिकलशिप कर लो ना, क्यों आए हो तुम एक अच्छी जगह पे आर्टिकलशिप करने। जब आप अपना टैक्स में कैरियर बनाना चाहते हो, आर्टिकलशिप करना चाहते हो, तो आपको टैक्स में स्ट्रांगली अपडेट करना पड़ेगा। आपको आपको मैं बहुत प्रैक्टिकल होकर यहाँ समझा रहा हूँ, आपके समझ में आ भी रहा है। आप शायद मान लीजिए आप मेरी इन बातों से सहमत नहीं होंगे, किसी भी सीनियर को बगल में बैठाइए और उनके साथ इस वीडियो को देखिए, किसी भी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप अपने पास में बैठाइए और इस वीडियो को उनके साथ देखिए, आप अपने घर वाले, घर में कोई अगर सी है तो उनको साथ में बैठाइए और इस वीडियो को देखिए। बहुत पते की बात बता रहा हूँ सर। अगस्त ग्रुप वन क्लियर कर लिया, कब पढ़ा पता नहीं, क्लास आपने कब पढ़ा, फरवरी मार्च अप्रैल में, उसके बाद जून जुलाई में टीचर बोलते हैं क्वेश्चन बैंक चेंज करो, अमेंडमेंट पढ़ो जीएसटी की, पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है पढ़ लिया, अच्छे मार्क्स भी आ गए। लेकिन अब जब आप ग्रुप 2 में गए तो टैक्स पूरा भूल गए, क्योंकि 4 पेपर में टैक्स था ही नहीं। उसका रिजल्ट आया आर्टिकलशिप में जब पहुंचे 2021 अगस्त सितंबर की, अब मैं जा रहा हूं, मैंने बहुत अच्छी अपने रिज्यूमे बना लिया और आर्टिकलशिप के लिए जा रहा हूं। सर आप पूरे फोकस हैं कि आपके आर्टिकलशिप में इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछे जाएंगे जो आपने पढ़ा। अरे टैक्स कितना पुराना पढ़ा आपने, 2019 वाला पढ़ा, कोई ऑफिस वाला आपसे नहीं पूछेगा, सब आपको रिजेक्ट करते जाएंगे। अब सोचिए आपको रिजेक्शन का रीजन पता ही नहीं चला, आप मेरी ऑफिस में गए, आपको मैंने रिजेक्ट कर, मैं मेरी ऑफिस में, मेरी ऑफिस की कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी मैं आपको रिजेक्ट कर दूंगा। सर आप मेरे यहाँ आर्टिकलशिप लेने आए हैं टैक्स में, और आपसे मैं 2020 की चीज पूछ रहा हूँ, 2021 की चीज पूछ रहा हूँ, तो आप बोल रहे हैं क्या कि आपने ये पढ़ा ही नहीं था। तो सर टैक्स की आर्टिकलशिप लेने जब निकलते हैं ना तो छीननी पड़ती है, 100 में से 1 बच्चे को इसकी आर्टिकलशिप मिलती है, ध्यान रखिएगा, 1 नहीं तो 10, ऐसे मानिए 100 में से 10 बच्चों को टैक्स की आर्टिकलशिप मिलती है, ठीक, और 100 CA में से 10 CA को टैक्स में जॉब मिलता है। अगर 100 CA पास कर रहे हैं तो 10 ही CA ऐसे हैं जो टैक्स के फील्ड को ऑप्ट करते हैं। सर मैं तो चाहूंगा 100 में से 100 ऑप्ट करें टैक्स फील्ड को, अगर ये वाली प्लानिंग करते चले जाएंगे कभी भी धोखा नहीं होगा। और सर बात मानिए, अगर आपको टैक्स में आर्टिकलशिप करनी है तो बिग 4 को मत देखिए, 3 ईयर्स की आर्टिकल से बिग 4 के नीचे जो बेस्ट 20 फर्म्स हैं उनमें करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी जब सीए क्लियर हो तो पहली जॉब बिग 4 में लगे, टैक्स टीम के अंदर लगे। अब आप टैक्स की आर्टिकलशिप भी करना चाहते हैं और बिग 4 में भी जाना चाहते हैं तो बिग 4 वाला आपको ऑडिट में फंसा देगा, और ऑडिट में भी इंटरनल ऑडिट सबसे घटिया एरिया कहलाता है, वो जान निकल जाएगी, रात के 12 12 1 1 बजे तक आप क्लाइंट के जगह पर बैठे हुए ऑडिट कर रहे हैं और आपको एक ब्रांड मिला हुआ है कि यू आर द डूइंग आर्टिकलशिप इन बिग 4। अक्सर ऐसा ही होता है, मोस्टली ऐसा ही होता है, आपको बिग 4 में टैक्स की आर्टिकलशिप मिलेगी। आपका एकेडमिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, पार्टनर लेवल पर कोई ना कोई अप्रोच आपकी होनी चाहिए। अप्रोच को चलो साइड करते हैं, तो कम से कम आपकी स्कूलिंग फाउंडेशन इंटर का बेस्ट रिजल्ट होना चाहिए और आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, स्पीकिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स, तो ही आपका टैक्स में आर्टिकलशिप हो सकती है बिग 4 में। फिर से कहूंगा, अगर 50 बच्चे आए हैं आर्टिकलशिप के इंटरव्यू के लिए बिग 4 में टैक्स के लिए, तो 1 को मिलेगी, मैं तो ऐसा कहूंगा, इतना खतरनाक रेशियो होता है। तो मेरा यहां पर बच्चों को यही सजेशन है कि अगर वो अपने टैक्स में इंटरेस्ट क्रिएट कर चुके हैं इंटर की पढ़ाई में,
तो सर एक झटका तो उनको यही लगा होगा, जीएसटी पुराना नया अमेंडमेंट, यही वो नेगेटिव हो गए होंगे। सर ये नेगेटिव शायद आपकी मिस प्लानिंग के कारण हुआ है और या फिर टीचर के मिस प्लानिंग के कारण हुआ है। इतना मत डरिए, एक टीचर की मिस प्लानिंग और एक आपकी मिस प्लानिंग के चलते आप फ्यूचर में टैक्स से भागेंगे तो फाइनल का ग्रुप टू निकालना बहुत दिक्कत होगा। सर ये सिलेबस का पार्ट था, बोला सर ये सिलेबस का पार्ट था, क्या करें, मैं तो लेटेस्ट ही पढ़ना चाहता था नवंबर 2020 के लिए, लेकिन ये सिलेबस का पार्ट था, क्या करें। आई एग्री, आपने अच्छा किया, आपने मार्क्स भी अच्छे लाए, आप ग्रुप टू में गए, आपने ट्रेनिंग भी ले ली, बस आर्टिकल सिर्फ सर्च करना के लिए आप इन 2 साल की अमेंडमेंट को अपडेट कर लो। इंटरनेट पे सर्च करो डीटी अमेंडमेंट्स बाय फाइनेंस एक्ट 2020, डीटी अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2021, जीएसटी लेटेस्ट अमेंडमेंट, अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2020, फाइनेंस एक्ट 2021। बोला सर फाइनेंस एक्ट 2021 आ गया। अरे बेटा, जब तुम अगस्त और सितंबर में आर्टिकल सिर्फ सर्च करोगे तो क्या फरवरी 2021 का बजट नहीं आएगा? कमाल करते हो। आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये महीना चल रहा है क्या? ये महीना चल रहा है जुलाई 2020। मैं फ्यूचर को बेस रख के आपके एक प्लानिंग बता रहा हूं। और सर जो ऑलरेडी फाइनल में आ चुके हैं उनको पता चल रहा होगा कि शायद हमने यही गलती की, इसीलिए हमें टैक्स में आर्टिकलशिप नहीं मिली। मेरे इस वीडियो को कोई बिग फोर का अगर सीए फाइनल का स्टूडेंट्स देख रहा होगा तो यहाँ मुझे अप्रिशिएट करेगा कि हाँ शायद मैं टैक्स में आर्टिकलशिप इसीलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं जब बिग फोर में गया तो मुझे यहाँ पर इंटरव्यू क्रैक तो हो गया लेकिन उन्होंने ऑडिट बोला और मैंने ऑडिट ले लिया। मेरे ही खुद के पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स, मेरे ही इंटर लेवल के खुद के पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स जिनका टैक्स में अच्छा स्कोर था, 70+, 75+, 80+, उनकी आर्टिकलशिप टैक्स में नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि वो यहां पर अपने आप को अपडेट नहीं किए और बिग फोर में गए और बिग फोर में क्रैक भी कर लिया इंटरव्यू, लेकिन उन्होंने ऑडिट में फंसा लिया। बोला अगर तुमने ना किया, हाँ और ना अगले 10 मिनट में करना, इंटरव्यू बड़े खतरनाक से होते हैं बिग फोर के, यू हैव बिन सेलेक्टेड और आपको हाँ या ना अगले 10 मिनट में बोलना है, उसके बाद 3 साल तक हम आपको कॉल नहीं करेंगे। बच्चा हाँ बोलता ही है, बच्चा हाँ बोलता ही है। मैं कहूंगा टैक्स की आर्टिकलशिप के लिए जब आप निकलो तो थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करो लेटेस्ट लॉ के साथ और उसके बाद बिग फोर से नीचे उतरो, बेस्ट 20 फर्म्स में गूगल करो, दिल्ली एनसीआर, आप कोलकाता में हैं, कोलकाता में लोढ़ा एंड कंपनी है, सिंघी एंड कंपनी है, ऐसे ही बॉम्बे में है और ऐसे ही बैंगलोर में, कहीं भी अगर आप हो बिग सिटीज में तो आप प्रॉपर रिसर्च वर्क करो कि कौन सी सीए फर्म है जिसमें आईटीआर फाइलिंग का काम नहीं। बोला सर हाँ सर एक फॉर्म में हम काम कर रहे हैं सर, जीएसटी रिटर्न का धराधर काम हो रहा है। अरे बाबा इसका काम नहीं, लिटिगेशन, कंसल्टेंसी, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन। सर कैसे पता चलेगा? अरे इंटरव्यू दे के पता चलेगा। जब आप फॉर्म में इंटरव्यू देने जाओगे तो बंदा आपसे सवाल पूछता है, आप उससे सवाल पूछिए कि सर वो जीएसटी के नोटिस वाले काम सब है हमारे पास, जीएसटी की नोटिस आती है तो रिप्लाई देना, इनकम टैक्स की नोटिस आती है तो रिप्लाई देना। सर वो प्लानिंग जो करते हैं टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस की और कभी कभी टैक्स बचाने की, क्या वो सब काम है हमारे पास? सर जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की काम है सर हमारे पास, इंटरनेशनल टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग। अरे वो बोलता तो है इंटरव्यू में आपके बारे, मतलब एक सीए जब इंटरव्यू लेता है सीए फर्म, तो वो आपके बारे में, आपके घर वालों के बारे में, भाई बहन क्या करते हैं, मम्मी पापा क्या करते हैं, बेटा सीए क्यों करना चाहा, ये सब पूछते हैं वो। आखिरी में वो पूछते हैं कि आपको कुछ पूछना है हमारे से, बस वहीं पर दनादन ये सब क्वेश्चन पूछिए ना आप। सर आपको टैक्स में अपॉर्चुनिटी लेनी पड़ेगी, आप अपने आप को जो देखो, एक तो आपने जो क्लास में पढ़ा वो काम आएगा, आपका स्कोर काम आएगा, लेकिन उसके साथ अगर इतना लंबा सारा गैप है कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपने जो पढ़ा था उसके बीच में कोई बजट आ रखा है, वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, साल चेंज हो चुका है, तो प्लीज 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 अपने रेस्पेक्टिव टीचर को अप्रोच कीजिए और उनसे पूछिए कि सर आपने फाइनेंस एक्ट 2020 की अमेंडमेंट बना ली, हमें दे दीजिए, और नहीं है बनाई तो गूगल, टीचर के भरोसे मत रहिए। सर हम तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, सिलेबस 1 साल पीछे चलता है, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स को अपडेट करते हैं। अरे गूगल, गूगल बाबा है ना, इंटरनेट और गूगल से 2020 और 2021 के डीटी और जीएसटी के चेंजेस को पकड़िए। और सर फर्म के थोड़ा सा आप ना फर्म के बारे में जहां भी आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा गूगल कीजिए, उनके पार्टनर्स के बारे में, जो आप बिग फोर में अगर जा रहे हैं तो भूल, अगर आप जा रहे हैं तो ये बात मान के रखिए कि आपको टैक्स में आर्टिकलशिप नहीं मिलेगी, आपका फ्यूचर टैक्स होगा ही नहीं।
बिग फोर से नीचे जो टॉप 20 फर्म्स हैं, टॉप 30 फर्म्स हैं, या उस फर्म में जाके देखिए कि उस फर्म में कोई पार्टनर ऐसे हैं जो बिग फोर में काम कर चुके हैं, क्या उस फर्म में टैक्स का कोई डिवीजन है, मतलब जो आर्टिकलशिप हैं, पार्टनर्स हैं वो बटे हुए हैं कि ये काम टैक्स की टीम करेगी, ये काम अकाउंट्स की टीम करेगी, ये काम ऑडिट की टीम करेगी, मतलब वो ऐसी फर्म है जहां पर अंदर ही इंटरनल दो तीन डिवीजन हो, ठीक। और उसके बाद आप पूछिए वहां पर लोगों से, उसकी फर्म की प्रोफाइल में जाके देखिए, लिंक्डइन करके प्रोफेशनल वेबसाइट होती है, सबके प्रोफाइल्स होते हैं फेसबुक पर, वहां जाके देखिए कि क्या पार्टनर लेवल के लोग जो हैं इन सब एरिया में काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ट्रांसफर प्राइसिंग। सर मैं फिर कह रहा हूं, आपकी फर्म में इनकम टैक्स रिटर्न का काम हो रहा है, जीएसटी रिटर्न का काम हो रहा है, दैट इज नॉट अ वैल्यू एडिशन, ये तो हर फर्म में हो रहा है, ये तो हर फर्म में हो रहा है। सर आपको लोग आर्टिकलशिप में रखेंगे, खाली आप ना थोड़ा सा इंटर लेवल पे अच्छा मार्क्स लाइए टैक्स में, और अपने आप को अपडेट रखिए, प्लस इंटरव्यू में मैट के क्वेश्चन पूछा जाते हैं। जब आप टैक्स की आर्टिकलशिप में इंटरव्यू देने जाते हो तो जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, अच्छी अच्छी फर्म्स हैं, वो आपसे मैट के बारे में सवाल पूछती हैं। मैट सीए इंटर के सिलेबस में है ही नहीं, एएमटी अब आया है, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स अब आया है, और वो सवाल पूछते हैं मैट का। सर कॉरपोरेट टैक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाइए, कॉरपोरेट टैक्सेशन। जब भी आप टैक्स की इंटरव्यू देने जाएं आर्टिकलशिप में, तो थोड़ा सा कॉरपोरेट टैक्सेशन के बारे में पढ़ के जाएं, थोड़ा सा टैक्स ऑडिट के बारे में पढ़ के जाएं, 44AB, थोड़ा सा असेसमेंट के बारे में पढ़ के जाएं, जो कि इंटर के सिलेबस में नहीं है, इंटर के सिलेबस में नहीं है, असेसमेंट नोटिस एटसेट्रा सेक्शन 143, 144, 153, काम बन जाएगा। अपने आप को थोड़ा अपडेट करें, मैं यहां तरीका बता रहा हूं टैक्स की आर्टिकलशिप कैसे ग्रैब करेंगे आप। बिग फोर में कभी भी ना जाए, और अगर जाए तो पार्टनर का अप्रोच हो, और सुनिए, जाइए बिग फोर में, बिग फोर में जाइए इंटरव्यू दीजिए, और इंटरव्यू में वो आपको ऑप्शन दे कि ऑडिट मिलेगा तो ना करके आ जाइए। चार बिग फोर है, चारों ना कर दे कोई बात नहीं, चारों ना कर दे आप जाइए पीडब्ल्यूसी में, जाइए ईएनवाई में, जाइए, आपका वो इंटरव्यू अच्छा जाए, और हो सकता है आपको वो टैक्सी दे दे, गॉडफादर की जरूरत ही ना पड़े, आपका रिजल्ट आपकी स्किल्स को देख के आपको दे दें। और उसके लिए मैं आपको तरीके बता देता हूं किस तरीके से आप ना टैक्स की आर्टिकलशिप क्रैक करेंगे। थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए टैक्स ऑडिट और 44AB, 44AB तो इंटर के सिलेबस में पढ़ते हैं, टैक्स ऑडिट के बारे में आप डिटेल नहीं पढ़ते, तो थोड़ा सा इसका ग्राउंड वर्क कीजिए। मैट के बारे में थोड़ा सा पढ़िए, कंपनी टैक्स जो सिलेबस में नहीं है इंटर के, जैसे अभी जो सेक्शन है आज के दिन 115BA, 115BAA, 115BAB, ये स्पेशल रेट्स हैं कंपनी के लिए जो हम लोग इंटर सिलेबस में नहीं पढ़ते हैं, ये पढ़िए, मैट पढ़िए, असेसमेंट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़िए, टैक्स ऑडिट के बारे में पढ़िए, और थोड़ा सा रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन सेक्शन 9 सेक्शन 6, इतनी तैयारी कम से कम कीजिए। सर टैक्स की आर्टिकलशिप कब देने जा रहे हैं? अगस्त 2021 में इंटरव्यू, तो फाइनेंस एक्ट 20 में क्या था, फाइनेंस एक्ट 21 में क्या था, और अगर इनकम टैक्स वाले इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो थोड़ा सा आईटीआर के फॉर्म्स वगैरह सब भी पढ़िए। सर ये सीए इंटर के सिलेबस में नहीं होता है कि रिटर्न फॉर्म्स नंबर 1 कब भरेंगे, फॉर्म नंबर 2 कब भरेंगे, 3 कब भरेंगे, लेकिन ऑफिस में आए दिन काम होता है, तो थोड़ा सा गूगल करके इन सब चीजों के बारे में अपडेट कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए कि मैं सामने वाले को कह रहा हूं कि भाई मुझे तुम्हारे यहाँ टैक्स में ही ज्वाइन करना है, पूछो क्या पूछना चाहते हो, तो आप अपने आप को उतना अपडेट रखिए। तो यहां आपको मिलती है क्या, टैक्स की आर्टिकलशिप इतनी मेहनत करने के बाद, हो सकता है किस्मत अच्छी हो, ये मेहनत तो हमने कर ली। सर सीए इंटर का जब आप एग्जाम देते हैं तो बहुत कुछ पढ़ते हैं, क्या सारा एग्जाम में आ जाता है? नहीं ना, लेकिन पढ़ते तो आप सारा ही है ना, पूरा सिलेबस करके जाते हैं ना, सीए इंटर का जब आप एग्जाम देते हैं तो पूरा सिलेबस करके जाते हैं, तो वैसे ही आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं टैक्स के आर्टिकलशिप की, तो आप वो सब तैयार करके जाइए जो उसके ऑफिस में आए दिन काम आता है। सर आप पढ़ के गए हाउस प्रॉपर्टी, आप पढ़ के जा रहे हैं सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी, वो उसके ऑफिस में काम ही नहीं आता है, तो वो क्या क्वेश्चन पूछेगा? बिग फोर में जा रहे हैं टैक्स का इंटरव्यू देने के लिए, और आप तैयारी करके जा रहे हैं क्लबिंग चैप्टर की, हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर की, सैलरी चैप्टर की, उससे कोई सवाल ही नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे रिसेंट डायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट्स, रिसेंट अपडेटेड, नया क्या आया है डायरेक्ट टैक्स में, बिग फोर है भाई,
बिग फोर है, नया क्या आया है वो जानना पड़ता है, 2 साल पहले आपने क्या पढ़ा वो नहीं जानना पड़ता है। और ये चीजों को तो नोट कर लीजिए, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स सीए इंटर के सिलेबस में नहीं है, टैक्स ऑडिट के फॉर्म्स, टैक्स ऑडिट जब करने जाते हैं तो क्या क्या देखते हैं वो सब इंटर में नहीं है, डिपार्टमेंट से अगर असेसमेंट्स की नोटिस आती है तो क्या होता है इसका कंप्लायंस, ये नहीं है इंटर के सिलेबस में, ये सेक्शंस इंटर के सिलेबस में नहीं है। थोड़ा सा आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, एनआर को, नॉन रेसिडेंट रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर को, शायद आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा, इंटरनेशनल रेसिडेंशियल स्टेटस। सर आप बोलिए कि आई एम गुड इन टैक्स, खाली बस मेरे सिलेबस के हिसाब से पूछिए, ऐसा नहीं होगा, वो आपके सिलेबस के हिसाब से भी पूछेंगे और उनके ऑफिस में जो काम होता है उसके हिसाब से भी पूछेंगे। तो सर थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस हाई रखिएगा, आप अपना कॉन्फिडेंस हाई रखिएगा, थोड़ा सा आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं इंटरव्यू के लिए तो टीडीएस और पीजीबीपी चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, पीजीबीपी चैप्टर और टीडीएस ये 2 चैप्टर को इंटरव्यू में अच्छे से पढ़ के जाइएगा, जो इंटर में आप पढ़े हैं, जितना इंटर में पढ़े हैं। उसके अलावा मैंने आपको क्या कहा, इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म्स, राइट, रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर का जो सेक्शन 6 है, सेक्शन 9, उसके बाद थोड़ा सा असेसमेंट के बारे में आप पढ़िए, मैट के बारे में पढ़िए कि मैट क्या होता नहीं होता है, टैक्स ऑडिट के बारे में पढ़िए और ये टैक्स रेट्स के बारे में पढ़िए, शायद आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। आप घर से निकले टैक्स के इंटरव्यू के लिए और टैक्स में आर्टिकल सब के लिए और लेके आए ऑडिट का आर्टिकल से क्या फायदा है ऐसा? मैं तो ये चाहूंगा कि मेरा स्टूडेंट्स जो टैक्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है इंटर लेवल पे, मैं तो यही चाहूंगा कि उसकी आर्टिकल शिप भी टैक्स में हो और वो फाइनल में जो ग्रुप 2 का टैक्स का पेपर है वो भी अच्छे से क्रैक करे। तो सर ये जर्नी आपकी यहां तक आ गई, आपने थोड़ा सा देखो बेटा टाइम देना पड़ेगा, आप चाहो तो ब्रेक ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो वीडियो को रोक के ब्रेक ले लो। सर यहां पे आपने सीए इंटर क्रैक कर लिया अच्छे मार्क्स के साथ, आपने आर्टिकलशिप क्रैक कर ली, आर्टिकलशिप क्रैक कर ली किसमें, टैक्स में, ठीक। अब आपकी आर्टिकलशिप चल रही है सीए फाइनल में, आप आ चुके हैं, राइट, सीए फाइनल में तो हम पहले ही आ गए थे सर, हाँ। अब सीए फाइनल में आपको अब ग्रुप 2 में, अब आप ग्रुप 2 में आएंगे तो ग्रुप 2 में पेपर 6 है, पेपर 6 में 6C है इंटरनेशनल टैक्सेशन, इंटरनेशनल टैक्सेशन 100 मार्क्स का सीए स्टूडेंट्स फाइनल वाले, पेपर 7 है आपका डायरेक्ट टैक्स 100 मार्क्स का, और पेपर 8 है इनडायरेक्ट टैक्स 100 मार्क्स का, इसके अंदर जीएसटी है, इसके अंदर कस्टम है, इसके अंदर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, इसके अंदर डायरेक्ट टैक्स इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग इंटरनेशनल टैक्स है। सर वो बच्चा जो यहां ऊपर मेहनत कर चुका है इतनी सारी, वो बच्चा जिसने इंटर में अच्छा से टैक्स पढ़ा मेरे से या किसी भी टीचर से, वो स्टूडेंट, अब मैं बहुत कम की बात बता रहा हूं फाइनल लेवल पे, वो स्टूडेंट जिसने टैक्स बहुत अच्छे से पढ़ा, थोड़ी बहुत प्लानिंग में गलती हुई उसकी लेकिन उसने टैक्स बहुत अच्छे से पढ़ा, राइट, टैक्स में अच्छे मार्क्स आए, इंटरव्यू के लिए उसने अच्छी मेहनत की और टैक्स में उसको इंटरव्यू मिली, टैक्स में उसको आर्टिकलशिप मिली उस बच्चे को, तो उस बच्चे को जिसका टैक्स में इंटरेस्ट है, टैक्स में उसको आर्टिकलशिप मिली और वो टैक्स में ही अपना फ्यूचर बनाना चाहता है, उस बच्चे को इस पेपर 6C को ऑप्ट करना चाहिए, ऑप्शन है ये। यहां पे टोटल 6 टाइप ऑफ पेपर्स हैं, यहां इंस्टीट्यूट आपको 6 तरह के पेपर देती है, पेपर 6 जो है सीए फाइनल का ग्रुप 2 का ये जो पेपर है इसमें टोटल 6 तरह के पेपर है, यहां पर एक चॉइस मिलती है, आप 6 में से कोई एक पेपर चॉइस कर सकते हैं, इंटरनेशनल टैक्सेशन तब चूज करना चाहिए। सर इंटरनेशनल टैक्सेशन का फैकल्टी मार्केट में बहुत अच्छा है सर, ऑल इंडिया लेवल पे नंबर 1 चल रहा है, इसीलिए मैं पेपर 6 ही लूंगा, नहीं सर, ही इज अ टैक्स गुरु एंड नंबर 1 इन इंडिया, और उन्होंने यूट्यूब पर आकर बोला इंटरनेशनल टैक्सेशन ले लो, मैं तुम्हारे साथ हूं इसीलिए मैं इस पेपर को लूंगा, नहीं सर, 5,000 रुपए की फीस में इस पेपर की तैयारी हो जा रही है, टीचर की फीस मात्र 5,000 रुपए है सर, बच्चे कैसे चूज करते हो आप लोग, सीए फाइनल में
पेपर 6C इंटरनेशनल टैक्सेशन बच्चा कैसे चूज करता है जी? टैक्स के बहुत बड़े फेमस टीचर ने सीए फाइनल में कहा है कि बेटा इंटरनेशनल टैक्सेशन लो, ये तुम्हारा फ्यूचर है और मैं तुम्हारे साथ हूँ, ले लो ले लो। शुरू में जब इंस्टीट्यूट का चॉइस का ये जो मॉडल आया, उस समय टीचरों ने कूट कूट के मोटिवेट किया बच्चों को, बच्चे की हिस्ट्री नहीं देखी कि उसने इंटर में टैक्स पढ़ा नहीं पढ़ा, कितने मार्क्स लाए, आर्टिकल शिप टैक्स में की नहीं की, मतलब ऐसे ऐसे बच्चे लोगों ने पेपर 6C लिया और फेल किए मोटिवेट होके। अरे भाई, मोटिवेट करने से पहले अपने दर्शक को तो पहचानो। आप मैं स्टूडेंट्स को कब मोटिवेट करूंगा? जब मैं उसको पहचानूंगा जो स्टूडेंट्स ने इंटर में अच्छा मार्क्स नहीं लाया टैक्स में, जिस स्टूडेंट ने आर्टिकल शिप में कभी टैक्स का काम नहीं किया, खाली वो एक दो ITR फाइल किया, वो बच्चा भी फाइनल में ना पेपर 6C लेके बैठ गया। क्यों? टैक्स गुरु नंबर 1 टीचर ऑफ इंडिया सेड कि ये पेपर मैं आपको फ्री में करा दूंगा, ये पेपर मैं आपको 5,000 रुपए में करा दूंगा, ये पेपर मैं आपको 20 क्लास में करवा दूंगा, और इस पेपर को करने से यहां का 30 मार्क्स भी आपका हो जाएगा। बच्चा कैसे चूज करता है अपना फ्यूचर? आज भी बच्चे यही गलती कर रहे हैं। अरे इंस्टीट्यूट ने इसलिए आपको यह सिलेक्शन नहीं दिया है। सीए फाइनल के स्टूडेंट्स, खासकर आप अगर सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं तो इस बात को जरूर सुनिए, पेपर 6 के जो 6 पेपर हैं, इसीलिए इंस्टीट्यूट ने आपको नहीं दिया चॉइस करने के लिए कि इसके टीचर सस्ते में अवेलेबल हैं, इसके टीचर नंबर 1 इन इंडिया हैं और गुड मोटिवेटर्स हैं। इसीलिए नहीं, आपका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। आप क्या टैक्स में जाना चाहते हैं? आपकी आर्टिकल सिर्फ टैक्स में चल रही है, फ्यूचर में टैक्स में जाना चाहते हैं तो आप इस पेपर को सेलेक्ट कीजिए। बोला सर मेरी आर्टिकल सिर्फ ऑडिट में चल रही है, फिर भी मैं इस पेपर को सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे अपना फ्यूचर टैक्स में बनाना है। यस, तब कीजिए, आई एम विथ यू। सर मेरा टैक्स बहुत अच्छा था इंटर में, मैं टैक्स मेरा ऑलवेज अच्छा पेपर है, मैं ऑलवेज पर्सनल इंटरेस्ट देता हूं टैक्स में, लेकिन गलती से मेरी आर्टिकल सिर्फ ऑडिट में चल रही है, क्या मैं पेपर 6C नहीं ले सकता? अरे ले सकते हो, आप डिटरमाइंड तो पहले बनो। ये नहीं कि किसी नंबर 1 टीचर ने और यूट्यूब के फैकल्टी ने बोला पेपर 6C लो, सारी क्लासेस फ्री, 5,000 में ही दे देंगे, इसके साथ इसको फ्री कर देंगे। अरे बहुत मार्केटिंग चलती है, DT के साथ इंटरनेशनल टैक्सेशन फ्री, DT के साथ मात्र 2,000 रुपए दीजिए आपको पेपर 6C मिल जाएगा, यहाँ का 30 मार्क्स की भी तैयारी हो जाएगी। अरे जो फाइनल में मेरी इस बातों को सोच समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बच्चा कैसे सेलेक्ट करता है यहाँ पर पेपर 6C? बच्चे का टैक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसकी आर्टिकल सिर्फ टैक्स में नहीं चली, फ्यूचर में उसको टैक्स में काम भी नहीं करना है। वो क्या बोलता है, पेपर 7 में जब मैं DT 100 मार्क्स का पढ़ूंगा तो वहां 30 मार्क्स की इंटरनेशनल टैक्सेशन की तैयारी हो जाएगी और ये सारा इसमें कवर है ही, और 2-4 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ूंगा तो 100 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी। और टीचर जो यहां 12 से 15 हजार रुपए लेते हैं, यहां पर जो टीचर 12 से 15,000 लेते हैं वो यहां पर 5,000-6,000 में कोर्स को कंप्लीट कराते हैं। बच्चा ये देखता है टीचर अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, यूट्यूब पे क्लास अवेलेबल है, अच्छा फ्री में करवा रहा है, 5,000 रुपए लेके करा रहा है, चलो एग्जाम से पहले इसी पेपर को ऑप्ट कर लेते हैं। लेकिन सर जिन बच्चों को आगे टैक्स में कैरियर बनाना है, जिन बच्चों को टैक्स अच्छा लगता है, उन्हीं को इस एरिया में आना चाहिए। और अब चूंकि आप ऊपर टैक्स की आर्टिकलशिप करने में इंटरेस्टेड थे और आपको टैक्स की आर्टिकलशिप मिली, तो मेरा यहां पर सजेशन है कि तब आप पेपर 6C ऑप्ट कीजिए और देखिए यहां पर 300 मार्क्स का खाली टैक्स है आउट ऑफ 400 मार्क्स। सर फ्यूचर देख के प्रेजेंट पे काम कीजिए। सीए इंटर के स्टूडेंट्स, आप सीए इंटर के स्टूडेंट्स हो, देखो आपने टैक्स से कैसे दूर भागते चले गए। आपने टैक्स में 2019 की चीज पढ़ के पास किया, उसके बाद इंटरव्यू देने गए अगस्त में बिना अपडेट किए, तो आपसे जो जो टैक्स के सवाल पूछे, आप 2 साल पहले का GST जानते थे, 2 साल पहले का इनकम टैक्स जानते थे, आपसे जो सवाल पूछे गए टैक्स में आपने जवाब नहीं दिया, आपको टैक्स की आर्टिकल शिप मिलेगी ही नहीं, और आपको टैक्स की आर्टिकल शिप नहीं मिली तो फ्यूचर में 300 मार्क्स आउट ऑफ 400 मार्क्स निकालने में दिक्कत आएगी। जो बच्चे आगे अपना टैक्स में करियर बनाना चाहते हैं, उनको मैं कहूंगा कि थोड़ा अपने आप को आर्टिकल शिप के समय अपडेट करें और वैसी फॉर्म में जाएं जहां पर टैक्स का सेपरेट डिवीजन हो, Big 4 में जाके ऑडिट ले नहीं। देन फाइनल में जब पेपर 6C सेलेक्ट करने की बात आए तो पेपर 6C ही सेलेक्ट करें इंटरनेशनल टैक्सेशन, क्योंकि आगे आपको टैक्स में करियर बनाना है, ये नहीं कि इसकी 5,000 में क्लास अवेलेबल है, ऐसे नहीं। सर क्या हुआ आज के दिन? आज के दिन आप बाहर की परसेंटेज देखेंगे तो इंस्टीट्यूट सीए इंस्टीट्यूट बोल रही है सबसे कम रिजल्ट है बच्चों का इंटरनेशनल टैक्सेशन में। क्यों?
बच्चों ने विदाउट साउंड कैलकुलेशन, शुरू में आज के दिन तो बच्चा इस पेपर को सेलेक्ट करने में डरता है क्योंकि वो डर चुका है। इंस्टीट्यूट ने एक स्टैटिस्टिक्स लॉन्च कर दिया कि जो बच्चे पेपर 6C ऑप्ट कर रहे हैं उनका रिजल्ट 10-15% ही है, और जो बच्चे एक इकोनॉमिक लॉ करके पेपर है उसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ रिजल्ट 60% है। आज के दिन स्टूडेंट क्या कहता है, टैक्स बाद में पढ़ लेंगे, पहले ग्रुप टू क्लियर करवाओ अच्छे से, और इंटरनेशनल टैक्सेशन नहीं लो, इकोनॉमिक लॉ ले लो। ध्यान रखिएगा, सीए बनने के बाद आप जब मेरे पास इंटरव्यू देने के लिए आएंगे और मेरे पास टैक्स में वैकेंसी है, तो मैं उन बच्चों को पहले प्रेफरेंस दूंगा जिन्होंने पेपर 6 में इंटरनेशनल टैक्सेशन ऑप्ट कर रखा है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, मैंने ऊपर में आर्टिकलशिप किसको दी, आर्टिकलशिप किसको दी, जिसके टैक्स में अच्छे मार्क्स थे उसको दी? नहीं, जो टैक्स में अपडेटेड था उसको दी। टैक्स में मेरे सवाल के जवाब दे रहा था, फॉर्म्स, ऑडिट, असेसमेंट, मैट से रिलेटेड, मैंने उसको दी। हाँ, जिसका एक ग्रुप क्लियर था मैंने उसको नहीं दी आर्टिकलशिप। अरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, एक सीए के ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनो, आप मेरे यहाँ नौकरी मांगने आ रहे हो, मेरे से नौकरी छीनो, अपने आप को अपडेट करके। मैं हमेशा यही कहता हूँ, मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको आर्टिकलशिप कब दूंगा, जब आपका ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों क्लियर हो। मेरे ऑफिस में जो काम होता है उस किससे रिलेटेड आप जवाब दो, आपने 2 साल पहले टैक्स में क्या पढ़ा उसके बेसिस पर मैं आपसे जवाब नहीं मांग रहा। मैं आपको 5 लाख, मैंने 50 लाख, 50 लाख 10 हजार की इनकम देके मैं आपको बोलूंगा मार्जिनल रिलीफ निकालो, ऐसे इंटरव्यू में नहीं होता। मैं आपको बोलूंगा सैलरी इतना रुपया और लॉन्ग टर्म कितना रुपया और उसका टैक्स निकाल के बताओ और आपको मिल जाएगी आर्टिकलशिप, ऐसे नहीं होता। आर्टिकलशिप छीननी पड़ेगी टैक्स से, और मैं बिग 4 से भी छीनूंगा अगर मैं ये नीचे की इतनी चीजों की तैयारी कर लूं, तो आर्टिकलशिप बिग 4 वाला भी झक मार के मुझे देगा टैक्स में, झक मार के देगा। सर इतनी चीज को तुम तैयार करके मुझे रिज्यूमे भेज दो, मैं लड़ पड़ूंगा तुम्हारे लिए, हर जगह मैं लड़ पड़ूंगा कि हाँ इस बच्चे को आर्टिकलशिप मिलनी चाहिए क्योंकि उसको इतनी नॉलेज है यहाँ पे, और ऐसी ऐसी नॉलेज जो इंटर में उसने पढ़ी नहीं। बोला सर ये सब हो जाएगा? अरे एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, आप पढ़ना स्टार्ट तो करो इन सबको अपनी आर्टिकलशिप के लिए। सर आर्टिकलशिप की तैयारी करनी है, कैसे करें? ग्रुप 2 का एग्जाम दे दिए, 3 महीने में रिजल्ट आएगा। आपने यहाँ मई में आपने एग्जाम दिया है 2021 में ग्रुप 2 का, या अभी जो बच्चे नवंबर में एग्जाम दे रहे हैं ग्रुप 2 का, उनका रिजल्ट 3 महीने के बाद आएगा। 3 महीने काफी कुछ है इन सबको तैयार करने के लिए। आगे अगर टैक्स में आर्टिकलशिप करनी है और ये सब तैयार करना है तो रिजल्ट से पहले 3 महीने काफी, अपने आप को तैयार करो। आप फाइनल का असेसमेंट चैप्टर पढ़ जाओ, गूगल करो, यूट्यूब करो, असेसमेंट क्लास सीए फाइनल पढ़ा दो, टीचर जो पढ़ा रहा है पढ़ लो, मैट क्लास मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स यूट्यूब करो, क्लासेस आपको आ जाएंगी पढ़ाने के लिए। आप सीए इंस्टीट्यूट का फाइनल का स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके पढ़ लो ये सब पोर्शन, क्या दिक्कत है? ट्रेनिंग आर्टिकलशिप की तैयारी करनी है आपको, तो आपको नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नए ऐसे, नया कंपनी में चेंजेस, जीएसटी में चेंजेस, जीटी में चेंजेस, ये सब करना ही है। और आप चाहते हैं टैक्स की आर्टिकलशिप मिले तो ये सब कर लीजिए आप, और भी है, छीननी पड़ेगी आपको आर्टिकलशिप। उसके बाद फाइनल में जब आप देखिए, फाइनल में आपका ग्रुप 2 निकालना कितना आसान हो जाएगा, आपका ग्रुप 2 निकालना। सर आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स में आना चाहते हैं, आपने सीए इंटर में अच्छा मार्क्स स्कोर किया, आपने आर्टिकलशिप की प्लानिंग बहुत सॉलिड की, मैंने जो बताई ऊपर वैसी, उसके बाद आपने पेपर 6C ऑप्ट कर लिया और इतना सब इंटरेस्ट आपके साथ है, तो आप फेल वाले परसेंटेज में तो कभी नहीं आएंगे। सर इंस्टीट्यूट कहती है मात्र 12% बच्चे ही पास होते हैं जो पेपर 6C ऑप्ट करते हैं। अरे बेटा उस 12% में तुम भी हो, क्यों नहीं मानते हो तुम अपने आप को? दो तरह के बच्चे इस पेपर 6C को लें, जो टैक्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं लेकिन आर्टिकलशिप ऑडिट में हो रही है, आप अपने कैरियर में शिफ्ट करना चाहते हैं ऑडिट से इंटरनेशनल टैक्सेशन। प्लीज ध्यान रखिएगा, मैं सीए का इंटरव्यू ले रहा हूं टैक्स डिवीजन के लिए, मेरे पास टैक्स डिवीजन में वैकेंसी है और मैं एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंटरव्यू ले रहा हूं। मैं उसी बच्चे को प्रायोरिटी दूंगा जिसका पेपर 6C इंटरनेशनल टैक्सेशन होगा, मैं उसको लेना चाहूंगा। हाँ मेरे पास जीएसटी डिवीजन में अगर जीएसटी डिवीजन में अगर ओपनिंग है इनडायरेक्ट टैक्स के जीएसटी में, तो मैं फिर आपके पेपर 8 को देखूंगा मार्क्स वगैरह, और आपने आर्टिकलशिप में जीएसटी में क्या क्या काम किया है वो मैं देखूंगा। सर जीएसटी में फ्यूचर बन सकता है, पैसा है जीएसटी में, लेकिन आपको जीएसटी की प्लानिंग, जीएसटी की असेसमेंट लेवल पे जाना पड़ेगा।
जीएसटी के लिटिगेशन, जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन, जीएसटी प्लानिंग, वो जीएसटी का रिटर्न फाइल करते हैं और उससे आप सोचेंगे लाखों रुपए की सैलरी ले लेंगे। आर्टिकल सिप में आपने क्या किया, जीएसटी की रिटर्न फाइल की, जीएसटी का आईटीसी का रिकन्सिलेशन कर लिया, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन दो चार क्लाइंट का ले लिया, ठीक। इन सब से आपको कोई 10-20 लाख रुपए की सैलरी वाला जॉब पोस्ट सीए नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, ये गारंटी है, ये गारंटी है कि अगर आपने मीडियोकर फर्म में, मेरी गारंटी है ये, मतलब मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर ऐसा नहीं हुआ, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर ऐसा नहीं हुआ, मैं यहां गारंटी देता हूं कि अगर आर्टिकल सिप आपने टैक्स वाली की मिडिल लेवल फर्म में, मिडिल लेवल फर्म में टैक्स डिवीजन की आर्टिकल सिप की, टैक्स डिवीजन होना चाहिए उसका सेपरेट, सिर्फ आईटीआर फाइल कर रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, और आपने ये पेपर 6C ऑप्ट कर लिया, तो पोस्ट सीए आपकी जो फर्स्ट जॉब लगेगी वो बिग फोर में लगेगी, नहीं तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। सर ध्यान से सुनिए, आपकी आर्टिकल सिर्फ टैक्स में हुई भी हो, यानी उस फर्म में हुई हो जिसका सेपरेट टैक्स डिवीजन हो, जैसे लोढ़ा एंड कंपनी, डीबी देसाई, महेंद्रपुरी एंड कंपनी, मैंने जहां पर ना सीए बनने के बाद जॉब की, चतुर्वेदी एंड शाह बॉम्बे में, और या फिर दिल्ली में टैक्स डिवीजन उनका है सेपरेट, लेकिन क्लाइंट्स अच्छे होने चाहिए, या फिर आपका एससी वासुदेवा, इन सब जगह में अगर आपकी टैक्स डिवीजन में आर्टिकल सिप हो रखी है और आप पेपर 6C ऑप्ट करके आप अपना सीए बनते हो, आपकी पहली जॉब बिग फोर में होगी, रैंक नहीं है तो भी सर, अरे तो भी गारंटी दे रहा हूं यहां पे, आपका रैंक नहीं है फाइनल में, आपने ग्रुप 1 ग्रुप 2 जो फाइनल का एक एक अटेम्प्ट करके एक एक करके निकाला है, तब भी आपको बिग फोर में जॉब मिलेगा अगर आपकी टैक्स में आर्टिकल सिप हो रखी है मीडियोकर फर्म में। और ध्यान रखिएगा, बिग फोर में मैं अब वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूं, बिग फोर में आर्टिकल सिप टैक्स में करना बड़ा मुश्किल है। आप बिग फोर के नाम से अगर आर्टिकल सिप करने निकले तो आप फ्रेम हो जाएंगे ऑडिट में और टैक्स की जर्नी आप कभी भी नहीं ले पाएंगे सर। तो ये थी पूरी टैक्स की जर्नी, क्यों बच्चा टैक्स से भागता है फाइनल में, क्यों बच्चा आर्टिकल सिप टैक्स में क्रैक नहीं कर पाता है। सर एज अ टैक्स टीचर मैं इस वीडियो में उन बच्चों को एड्रेस कर रहा हूं जो सीए इंटर, सीए फाइनल और आर्टिकल सिप टैक्स में करके अपना फ्यूचर टैक्स में बनाना चाहते हैं। सर मुझे फाइनेंस में फ्यूचर बनाना है, मुझे रिस्क पोर्टफोलियो में फ्यूचर बनाना है, कॉन्टेक्ट योर SFM टीचर्स, कॉन्टेक्ट योर FR टीचर। आप बच्चे टैक्स में इंटरेस्ट थे, आप अपना करियर टैक्स में बनाना चाहते थे, लेकिन आपको सही मौका नहीं मिल रहा था, इसको मैंने इस 1 घंटे की वीडियो में कवर करने की कोशिश की। आई एग्री कि इसमें और इम्प्रूवमेंट चाहिए और मुझे बात आपसे करनी थी, लेकिन सर हर चीज का एक एंड होता है, मैं इस वीडियो को यहां रोक रहा हूं जस्ट बिकॉज ऑफ कि यू नो मार्केट में टीचर्स अवेलेबल हैं, फ्री वीडियोज अवेलेबल हैं। आप इंटरनेशनल टैक्सेशन 100 मार्क्स वाला पेपर ऑप्ट न करें, फेल ही करेंगे, और ग्रुप 2 को मैनेज करिए अच्छे से। फाइनल में काफी सारे बच्चों का ग्रुप 2 का रिजल्ट्स अटक जाता है, और एक बात जाते जाते इंटर लेवल पे मैंने क्या कहा, डायरेक्ट टैक्स के बाद GST पढ़िए और हमेशा GST लास्ट में पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक। वैसे ही CA फाइनल में 8 पेपर हैं, बोथ ग्रुप 8 पेपर, आपका लास्ट जो सब्जेक्ट का प्रिपरेशन है, लास्ट सब्जेक्ट जो है प्रिपरेशन का, वो GST होना चाहिए लास्ट सब्जेक्ट। बच्चा GST के बाद DT पढ़ता है ना, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर, फाइनल में करेक्ट ऑर्डर, पहले DT खत्म कीजिए उसके बाद GST खत्म कीजिए, GST शुड बी योर लास्ट पेपर। आई डोंट नो व्हाई स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड इन सीए फाइनल, सीए फाइनल का स्टूडेंट अपने 8 पेपर की तैयारी में GST को पहले पढ़ लेता है, कभी कभी एग्जाम से 1-1 साल पहले पढ़ लेता है, सर फुल वेस्टेज ऑफ मनी, आई डोंट नो व्हाई। बच्चे का एग्जाम 2021 नवंबर में है, बच्चा अभी GST पढ़ना चाहता है, कब, ये अभी, बच्चा बोलता है सर जुलाई से लेकर मैं अक्टूबर 2020 में GST पढ़ लूं, मेरा एग्जाम नवंबर 2021 में है। अरे पैसा पूरा वेस्ट है,
बच्चा जुलाई होगा सितंबर में जीएसटी पढ़ना चाह रहा है, नवंबर 2021 में एग्जाम, एक साल से भी पहले। अरे इतना भी तूफान नहीं मचाना है, सीए इंस्टीट्यूट का कोर्स इतना भी हार्ड नहीं है। आप सीए इंस्टीट्यूट को 10 बात बोलते हैं, आप अपनी प्लानिंग खराब करके फिर सीए इंस्टीट्यूट को 10 बात सुनाते हैं, सीए इंस्टीट्यूट ने ये चेंज कर दिया, वो चेंज कर दिया। आपको कौन बोला एक सवा साल पहले जीएसटी जैसे टॉपिक को पढ़ने के लिए, जहां पर हर 6 महीने पे दुनिया भर की चेंजेस आती हैं? कभी नहीं सर, कभी मत कीजिए। आपका सीए फाइनल का प्रिपरेशन में सबसे लास्ट पेपर क्या होना चाहिए? जीएसटी का। मैं और भी वीडियो लेके आऊंगा। अब वीडियो किस टॉपिक पे लेके आऊं, किस तरीके की गाइडेंस पे लेके आऊं, आप इनबॉक्स पे कमेंट पास करके बताइए, ठीक है? आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो, इनबॉक्स पे कमेंट पास कीजिए, वहां बताइए कि आपको क्या दिक्कत आ रही है सीए इंटर लेवल पे, सीए फाइनल लेवल पे और ट्रेनिंग लेवल पे रिलेटेड टू टैक्स। मैं आपकी जरूर मदद करूंगा, ठीक है? कमेंट बॉक्स में आप बात कीजिए। आप ना बच्चे थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैंने क्या कहा, ये छलावा है, सिर्फ ये छलावा है। पेपर 7 के साथ मैं आपको फ्री करवा दूंगा इंटरनेशनल टैक्सेशन, और 30 मार्क्स यहाँ कवर हो गया। 10-20 क्लास और ले लीजिए तो 100 मार्क्स का प्रिपरेशन हो जाएगा। इस पेपर को ऑप्ट कर लीजिए ना, ऐसे मत कीजिए। फ्यूचर में टैक्स का कैरियर नहीं बनाना, आर्टिकलशिप टैक्स में नहीं चल रही, खाली ITR ही भरा और कुछ नहीं किया है। इंटर में कभी टैक्स में इंटरेस्ट क्रिएट किया ही नहीं आपने, 40-50 मार्क्स ला के पास किए हैं। मत कीजिए ऐसा काम, फेल ही करेंगे हम लोग, हम लोग फेल करेंगे। सर इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, व्हाटएवर जो भी करना है करिए, सही लोगों तक पहुंचा दीजिए जो बच्चे टैक्स की प्लानिंग करना चाहते हैं। और इंक्लूडिंग मेरे स्टूडेंट्स का भी डिमांड आया था मेरे पास, सर मेरे जो इंटर के स्टूडेंट्स फाइनल में जा रहे हैं, ग्रुप 2 में अभी बिजी हैं, कि सर आगे टैक्स में आर्टिकलशिप करनी है, कुछ राय दीजिए क्या करें। तो उनके लिए तो ये बेस्ट वीडियोस हैं, बेस्ट वीडियोस, ठीक है, बेस्ट वीडियोस हैं। और ये जो पोर्शन है टैक्स की आर्टिकलशिप क्रैक करने वाला, इस पर जरूर काम कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आई होप कि मैं सारा आपका यहाँ पे कंफ्यूजन दूर कर चुका हूँ। फिर भी कोई बात अगर बच गई हो तो आप इनबॉक्स में कह सकते हैं कमेंट करके। आप मेरी किसी बात से असहमत हैं, डिसलाइक मत कीजिए, आप मेरी वीडियो को डिसलाइक मत कीजिए। आप कमेंट में अपने पॉइंट्स रखिए कि कहाँ आप गलत मुझे समझ रहे हैं। देखो डिसलाइक करना इज नॉट अ सॉल्यूशन, मुझे भी इम्प्रूवमेंट का मौका मिलना चाहिए। आप कमेंट करके बताओ कहाँ पर मैंने कुछ गलत बोला, गलत क्या कहा, मैं उसका वहाँ पे पॉइंट दूंगा। अरे क्या होगा, क्या तो मैं रिप्लाई करूंगा, अरे अधिक से अधिक क्या होगा, क्या तो मैं आपके पॉइंट्स का रिप्लाई करूंगा या डिलीट कर दूंगा, वही तो होगा। लेकिन डिसलाइक करने से तो मुझे मेरी गलती पता ही नहीं चलेगी। आप इस वीडियो में क्या गलत देखते हो वो अब बताओ ना, ताकि मैं अगली वीडियो में और इम्प्रूवमेंट करूं। ये बेसिकली एक टैक्स जर्नी है सीए स्टूडेंट्स के लिए। और ध्यान रखिएगा, सीए जब टैक्स की बात करता है, लास्ट में जाते जाते सीए जब टैक्स की बात करता है तो क्या वो सिर्फ टैक्स ऑडिट की बात करता है और उसके सिग्नेचर की बात करता है? कभी नहीं, 5% भी नहीं है ये हमारे वर्क प्रोफाइल का। सीए जो टैक्स कंसल्टेंट बन के काम करता है डीटी में, जीएसटी में, कस्टम में, उस वर्क में 5% जगह भी नहीं है टैक्स ऑडिट के सिग्नेचर की। टैक्स ऑडिट हम लोग करते हैं और उस पर साइन करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में 5% भी नहीं है। जाते जाते मैं तो यही कहूंगा। बाय बाय, टेक केयर।